अरे बाप रे, ये चादर धोना भी एक मुसीबत है। ये सब करना कितना मुश्किल काम है। अरे दीदी, काम तो करना चाहती हूँ पर मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। हाथ उठा नहीं पा रही है, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ टूटे उसका, तुझे मारने के लिए उसका हाथ उठा कैसे? अरे उसने थोड़ी ना मारा, वो मारता तो मैं उसको छोड़ती क्या? इस कोयते से उसके हाथ काट देती मैं, समझी? इतना पीकर आया था वो तो होश में ही नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए गुस्से में मैं उसे मारने गई और मैं फिसल गई और मुझे चोट लग गई। देखो ना, पूरा हाथ लाल हो गया है। उसके बाद जब मुझे गिरता हुआ देखा तो उसका नशा उतर गया और मुझसे पूछता है, तो ठीक तो है ना काली, मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, मैं तेरी कसम खाता हूँ काली। अरे उसके मुंह में आग लगे, उसने ऐसा ही बोला होगा, और क्या कहा होगा। कमीने ऐसे ही वादा करते हैं, मासूम बच्चों की कसम खाते हैं। उनकी बात मान ली तूने भी पागल? हाँ, पहले भी तो एक बार वादा किया था। एक बात बताओ, अगर हम लोग भी पीना शुरू कर दे तो? अरे आप पियेंगी, आपको लगता है कि हमारे पीने से हमारे पति सही रास्ते पर आ जाएंगे? ओ तेरी की, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। मेरी माँ के गांव में एक औरत थी, अपने पति की सिगरेट छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अरे बाद में तो उसने बीड़ी पीना शुरू कर दिया। पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसके पति को तो बीड़ी छोड़े हुए पूरा एक साल हो गया, लेकिन आज भी इसको दिन में पूरे 3 कट्टे चाहिए होते हैं। ऐसा होगा तो तुम्हारा क्या होगा? हम लोग अगर उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे ना, तो खुद ही टेढ़े रास्ते पर चले जाएंगे। जो चल रहा है उसे चलने दो, ज्यादा कुछ सोचो मत। उसका घर बर्बाद हो जाए, जब से उस शंकर ने दारू की दुकान खोली है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है। जरा धीरज रखो, आज नहीं तो कल हमारी परेशानी कोई सुनकर कुछ तो रास्ता दिखाएगा, तब तक हम राह देख सकते हैं। सब वो देवी संभाल लेगी, आज नहीं तो कल माँ हमारी बात सुन ही लेगी, फिक्र मत करो। गोद में सोकर मेरी बेटी सपना देख रही, एक राजकुमार आएगा बेटी को ले जाएगा, राजकुमार आएगा मेरी बेटी को। कहाँ जा रहे हैं जी? मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत खराब है। कहाँ ले जा रहे हैं? पास के किरगुर गांव में उसका इलाज कराने ले जा रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैं शंकर अप्पा हूँ, ग्राम सेवक, आजू बाजू में सब मेरा ही चलता है। मेरा रूल सब गवर्नमेंट की तरह ही है। अच्छा, किस जाति के हो? लिंगायत हूँ भाई। ओ लिंगायत हो क्या? वो इलाज करने वाला छोटी जाति का है, तो अपनी बेटी को छूने दोगे उसे क्या? सुनना है? मेरी बेटी को क्या हुआ पता नहीं, पर इसके लिए बहुत मन्नत मांगी है, ताबीजें बांधी है। किसी पुण्य आत्मा ने मुझसे कहा इसे बाजू वाले गांव में लेकर जाओ तो ये ठीक हो जाएगी। ये बात नहीं है दादी, मेरे कहने का मतलब है कि देख बेटा, मेरी बच्ची ठीक हो गई ना, तो किसी जाति का हो मैं उसके पांव पकड़ लूंगी और उसको नमस्कार करूंगी। अरे भगवान सब संभाल लेंगे, काहे को गुस्सा हो रही है दादी? अरे बहुत तेज हवा चल रही है, चलो निकालो गाड़ी। चलते हैं भाई। गोद में सोकर मेरी बेटी सपना देख रही है। घोड़ा जी सही काटा कि नहीं? देखो क्यों बे? हाँ जब देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक करता ही रहता है। अरे अब क्या मिस्टेक हुई भाई? अबे हाँ? इस तरफ की मुझ देख, दूसरे वाले से कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई। वो थोड़ा ही ना, उससे कुछ नहीं होगा भाई। कुछ नहीं होगा, कुछ भी बोल, शहर वालों जैसा नहीं काट पाता है तू। ये बात है क्या? शहर में कटवाओगे ना तो लड़की लड़की ऐसे ऐसे पट जाएगी, पता समझा? जा पहले काम से क्या। अरे चाहे कितना भी अच्छा काटो, आप ऐसा ही हमेशा कहते हो। ये आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, जैसी हवा उस दिन चली थी ना, अगर वैसी हवा फिर से चली
तो हमारे घर की छत ही उड़ जाएगी। अपने पति को कहते कहते थक गई कि ठीक से बनाओ, बात ही नहीं सुनते मेरी। अरे वो लोग तो आज करेंगे कल करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, सुन सुनकर अब तो कान भी पक चुके हैं। उन लोगों को तो सिर्फ कहना ही आता है, पता नहीं कब सुधरेंगे। अरे सुनना बेटी। हाँ। ये किरगुर गांव कितनी दूर है? और एक दो गाने गाएंगी तो पहुंच जाएंगी। अच्छा चलो सीधा चलो। अरे आराम से। तूने ध्यान दिया? बगल वाले गांव के लोग हमारे गांव में कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं। ये लो भाई, दो डाल दिया। अरे तेरी तो, थोड़ा हिला कर डालना चाहिए था ना। अरे हिला के ही तो डाला था, अब ऐसा ये तो क्यों क्या करेगा। अरे सामने नाला है, देख कर चला। अरे गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई। सामने से हट जा, गाड़ी आ रही है। जोको, जोको, अरे जोको। गाड़ी के नीचे आ जा क्या? इधर बच्चे को मारो मत भाई। किस गाँव से आए हो? राजमुंदर गाँव से। किसका इलाज करवाना है? मेरी बेटी का। जाकर कारिया को बुला ला, कह देना कोई बैलगाड़ी से आया है, जल्दी से आ जाना। किसकी तबीयत ठीक नहीं है? ले। अरे गाड़ी चलाना बंद कर, देख तेरी वजह से सारी मुर्गियाँ भाग गईं। तू भी खाएगा? मुखुल शाबाश। अब बताओ महाराज यहाँ आने का क्या कारण है? करिया को बुलाने के लिए बाहर एक गाड़ी आई है। ओह करिया को लेने आया है, वो अंदर है, जा जा बुला। ठीक है ठीक है ठीक है। बाहर आओ, कोई आया है? अभी नहीं होगा बेटा, बाद में आऊंगा ऐसा कहना। अरे कोई बैलगाड़ी लेकर आया है? तो फिर ऐसा बोलना, चल जाते हैं। अच्छा आप मुझे लट्टू बना कर दोगे? बना क्या? कर दे दूंगा, ठीक है। अरे अरे ओहो क्या हो रहा है? देखो इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? इसके कपड़े उड़ रहे हैं। मेरी साड़ी। अरे क्या हो रहा है ये सब? नहीं आती क्या? अरे मुझे तो संभाल ही नहीं जा रही। पूरा गांव देख रहा है तुझे। अरे देख तो कैसे हंस रही है। अरे चुप हो जा, पागल कहीं की। अरे दीदी देखो ना, इसकी तो साड़ी खुल गई है, बस ब्लाउज ही बाकी है। साड़ी पहनने भी नहीं आती इसे। जा रही है। हवा ने तेरे साथ क्या अरे कर दिया? तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या मजा ले रही है यहाँ खड़ी होकर? अरे मैं तो बस देखने आई हूँ कि तू क्या दिखा रही है। अरे बदतमीज कहीं की, क्या बोली फिर से बोल। एक बार जरा फिर से बोल, जबान काट लूंगी तेरी। ओ, ऐसा मैंने क्या बोल दिया? जो हो रहा था वही तो बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बेमतलब का बड़बड़ा रही है। ये ले, ये ले, और कहेगी और हंसेगी मुझ पर। तूने ये सब मेरे ऊपर क्यों फेंक दिया चुड़ैल कहीं की? चुड़ैल मैं नहीं हूँ, तू है पागल कहीं की। तू क्या एक औरत नहीं है? तू मेरे जैसी नहीं है क्या? हाँ? जरा आ तो तेरी भी साड़ी निकाल कर देखती हूँ। हाँ? आजा। तू क्या मेरी साड़ी उतारेगी तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, तू नीचे तो आ, आ नीचे, चला ना, फिर बताती हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ। आजा। अरे तेरी तो। हाँ हाँ ऐसे ही करूंगी, तुझसे डरती हूँ क्या? छोड़ मेरी कपड़े, छोड़ मेरी साड़ी। अरे छोड़ूंगी नहीं आज तुझे, मेरी साड़ी थोड़ी बदतमीज करेगी। मैं तुझसे डरती हूँ क्या? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ना तो मुझे तेरे पति का डर है और ना ही तेरा। मेरे ऊपर हंसती है? अरे अरे फिर हंसती है मेरे ऊपर? मैं तुझे क्या डरती हूँ? कहीं है क्या? आज तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे 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 मेरे कपड़े खोल दिए, छोड़ मुझे, अभी बताती हूँ। अरे अरे छोड़ूंगी नहीं तुझे। क्या कर रही है दोनों? अरे दानी दीदी को बुला कर लाओ। आज तो अरे रुक जा, तू पहले मेरे पास घर नहीं जाएगी ऐसे। बड़ी हंसी आती है मुझे, लोगों का मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है मुझे। नजारे नजारे तेरे सारे कपड़े नहीं फाड़ दिए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। छोड़ लेंगी मैं, रुक, छोड़ मुझे। अरे दीदी हाँ सुनो ना, वहाँ कालिया और रूपा झगड़ा कर रही हैं, एक दूसरे की साड़ी फाड़ रही हैं, देखिए तो। ऐसा क्या? जल्दी करो, ठीक उनको है, चलाती हूँ। जैसे दो कुत्ते आपस में खाने के लिए झगड़ते हैं वैसे झगड़ती हैं ये दोनों। अरे बाप रे क्या मजा आ रहा है। कौन हो तुम लोग? उ, 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 क्या देख रहे हो यहाँ पर? पहले किसी औरत को देखा नहीं? शर्म नहीं आती ऐसे ताकते हुए? अरे वो साइकिल पंक्चर। बदमाश कहीं के। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। चल दोबारा यहाँ नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगी और आंखें फोड़ दूंगी, याद रखना। बेशरम
मुझ पर हंसती है। हट जाओ, आज तो तेरी जान ले लूंगी मैं। क्या कर रही हो तुम? दौड़ो हट 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 हट। क्या हो गया? ए आज बच्चों से छोड़ ना। क्या कर रही हो? अरे हट हट, मेरे कपड़े तू भी आ गया। क्या कर रही है तू? हट, अरे छोड़, कहीं की एक लगा दी तुझे। दूर छोड़, इसकी साड़ी। अरे छोड़ तेरी साड़ी उतारती। अरे छोड़, क्या कर रही है? रुक जा, मैंने थोड़ी ना खोली थी। दूर है, तू भी दूर है। देखिए ना उसे, छोड़ ना। क्या रे, शर्म नहीं आती दोनों को? ऐसे कोई झगड़ा करता है? ऐसी क्या बात हो गई थी? दीदी पानी लो, पानी पियो। साड़ी खोलने चली। ये क्या बात हो गई? साड़ी खुल गई थी तो एक दूसरे को संभालना था, और ये तो बेशर्मों की तरह लड़ रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, यही आई थी मेरी साड़ी खोलने, चुड़ैल कहेगी। अरे पहले इसी ने शुरू किया, मैंने कुछ नहीं किया, यही हंस रही थी। तेरी अच्छा? तो मेरी साड़ी खोल दी, मैंने तेरी साड़ी खोल दी। हां हां, जा रही हूं। ए चुड़ैल कहेगी, चुप कर। चल तू भी निकल, साड़ी ठीक कर पहले। जा जा रही हूं, पहले उसको साड़ी पहनना सिखाओ। पूरे गांव को सब कुछ दिखा रही थी वो। अरे जा। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा संभाल कर मेरी जान निकल रही है। बस हो गया हो गया, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। हो गया, जरा ठीक से करना भाई। अब हो गया। देखा ना, माजी गांव की देवी ने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरी बेटी ठीक हो गई। हाँ। अभी ठीक से चल पाएगी? अभी अच्छे से चलेगी माजी। ये लो। अरे करिया छुएगा तो फिर खड़ी नहीं होगी क्या? अब तो ये नाच नाच कर खुशी खुशी अपने गांव जाएगी। चल बेटी खड़ी हो जा। अरे अरे अरे, हम ये नहीं ले सकते हैं। ना 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 ना, लोगों का भला करने के लिए ही तो भगवान की तरफ से तुझे यह वरदान मिला है। अगर बदले में पैसा लेगा तो मिस्टेक हो जाएगा। इसका मतलब हमें नहीं कुछ दे नहीं सकते। जो आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, दूध और चावल से खीर मैं बनाऊंगी और लाकर इनके चरणों में चढ़ाऊंगी। बस माँ का आशीर्वाद रहे इन बच्चों पर। जहाँ ताकत दिखानी है वहाँ तो दिखा। ऐसे साड़ी खोलने से कुछ होता है क्या भला? चुप करो दीदी, आप कुछ नहीं जानती, ये तो बड़ी सती सावित्री है ना। ना दीदी, कैसे मेरे पति की शर्ट फाड़ दी। और नहीं तो क्या? हाँ। जब ये ऐसी बातें कहेगी तो आपको क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? मैंने ऐसा किया ही क्या था? इसकी साड़ी खुल गई है, नंगी हो गई थी तो मुझे हंसी आ गई थी। देखो 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 कैसे हंस रही है, बेवकूफ कहीं की। तेरे पास जो है वही मेरे पास भी है, ऐसा कह रही थी ये, तो क्या मैं चुप बैठी रहती? इसी ने शुरू किया था सब। थू, चुप कर। तो बड़े छोटी की बातें करने से कुछ होता है क्या? इस तरह की बातों को लेकर झगड़ा करती हो तुम लोग। तुम लोगों को ऐसे झगड़ा करते हुए शर्म भी नहीं आती? थू। हाँ। तुम लोग भी ना। सावरे चंडाल चैवा अष्टतमितम विनिमाता। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये सब कौन कर रहा है? हाँ, भूत क्या? अगल बगल में रहने वाले सारे भूत तुम्हारे गांव में आ चुके हैं और वो तुम लोगों को परेशान करना चाहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्वामी जी। सब लोग समझ गए ना? जी। हाँ, अब ये भस्म ले लो। जब तक ये स्वामी आप लोगों के साथ है, तब तक कोई भी भूत पिशाच तुम लोगों तक नहीं पहुँचेगा। जी स्वामी। अब जाओ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। जी स्वामी जी। ये लीजिए गुरु जी, 210 रुपए 5 पैसे। गुरुजी, आज का जो धंधा था ना, वो बस इतना ही था। ऐसा क्या? थोड़ा पूजा वूजा कीजिए इसके लिए। अरे रे रे बेवकूफ, पूजा वूजा करने से ये सब ठीक होगा क्या? हाँ सुनो, लोग जब तक नशा नहीं चढ़ता है तब तक पीते हैं। यहाँ कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, समझे? इसीलिए हमें अपनी बात उनके दिमाग में घुसानी होगी। सही बात कह दिए आपने गुरुजी। अच्छा चलता हूँ अब मैं। अरे मेरे भाई, थोड़ा कम पिया करो। इससे नहीं होगा।
कौन है मुझे जो रोके है? न बेटा है न बेटी है, कोई नहीं है पूछने वाला। अरे यार जरा कम पियो। अरे थोड़ा इंतजार कर ले। और कितना इंतजार करूं? चार साल हो गए। सब लोगों ने मिलकर उस बांझ को मेरे गले में बांध दिया। सुन भाई मैं एक बात कहता हूँ, हम सब भैरव के बेटे को अपना बेटा नहीं मानते हैं क्या? अपना बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? हाँ सही कहा, तुम भी वैसे ही सोचकर मान जाओ। देखो भाई आदमी का दिल ना साफ होना चाहिए। मेरा बच्चा तेरे बच्चे के समान ही तो है। आज तक मैंने किसी को पराया नहीं समझा है भाई। अगर तू चाहे तो मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ ले, बात तो एक ही है ना। देख जो मेरे दिल में था मैंने वो कह दिया। सही है यार, वैसा ही करूंगा। तेरा बेटा मेरे बेटे जैसा ही है, लेकिन मुझे मेरा खुद का बेटा चाहिए। अरे यार तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम कुछ भी करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। कैसा रास्ता बे? अब मैं बहुत जेल चुका हूँ, अब मैं दूसरी शादी करके ही दम लूंगा। दूसरी शादी करोगे? क्या बात है? चुप हो जा यार, कोई सुन लेगा, जरा संभल कर। एक तो पिए हुए हो, अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन लेगी तो वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। अरे मैं अपने लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, बच्चे के लिए। मेरा भी तो मन करता है बच्चे के साथ खेलने का। मुझे मेरे अपने बच्चे के साथ खेलना है। अगर ऐसा सोचता तो कोई पाप है क्या? मुझे अपना बच्चे के साथ परेशानी में लग रहा है तुम लोग? क्या बात है भाई? अब तेरी ही कमी थी। क्या बोला? हाँ भाई जैसे महीना खत्म होता है पैसा वसूल करने आ जाते हो। तुमने तो बोला था ना गांव में वो गवर्नमेंट से बोल के करवा दूंगा, नया स्कीम लागू करवा दूंगा, बोला था कि नहीं? लेकिन क्या किया? झूठे हो शंकर भाई, एक नंबर के झूठे हो। अबे जो मुंह में आए उसे मत बका करो, समझा? सन अभी मैं कौन हूँ मैं? ग्राम सेवक शंकर भाई। अरे वो नहीं बे, मेरा काम क्या है? बाबा के साथ मिलकर सबको बेवकूफ बनाकर हम लोगों को शराब पिलाकर हमें लूटना। लोगों को लूट कर पैसा जमा करने वाले ग्राम सेवक। अबे मैं तुम लोगों से पैसा लूटता हूँ क्या बे? तुम लोगों की सेवा करता हूँ। आजू बाजू के सारे गांव की जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी है, अगर मैं ना रहूँ ना तो सरकार इस गांव की तरफ कभी देखेगी भी नहीं। सरकार और गांव के बीच में मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ बे, सबसे बड़ा आदमी। और तुम वो जगह दो बकवास करते जा रहे हो। सुन, इस इलाके में कितने गांव है उसे तो तुम गिन भी नहीं सकते हो भाई, समझे? इतना सारा गांव है, सभी लोग हमें भी जगह दो, सब लोग ऐसे बोलेंगे। सरकार सेंशन करेगी, ऐसा बोला उसने। पर्ची पास होने तो काम हो जाएगा। और तुम लोग मुंह में जो आया बोलते जाते हो, बदमाश। अच्छा सुना है? हाँ भाई, जरा एक बोरा प्याज भरना बे घर के लिए। ठीक है भाई। दिल में चैन नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, सब एक जैसे।
चल हट। इतनी रात को भूत बन के मुझे डरा दिया, सोना भी हराम कर दिया मेरा, नींद खराब कर दी, पास आके बैठ जाती है। सुन नागी, कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं है। तेरे माँ बाप ने तुझे बताया नहीं क्या, जमीन को चाहे जितना भी जोतो, एक बार धान लगाए तो बस हो जाता है, बंजर जमीन पे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा दिल दुखाने का मुझे कोई शौक नहीं है, तुम भी ऐसे ही हो, बंजर, बंजर जमीन की तरह। मैं इस घर में बच्चे की किलकारी सुनना चाहता हूँ। अब तू बता, इस घर में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखने का शौक नहीं है तुझे? अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो गलत हूँ क्या? कुछ भी कर ले, जाके अपने माँ बाप को कुछ समझा तू ही। जा और जाके अपने माँ बाप को समझा कि बात ये है कि मेरे पति की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है पापा। बोल जाके कि मेरे पति को बच्चे का शौक है और वो शौक मैं पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि बांझ हूँ मैं। समझ में आई मेरी बात? जाके अपने माँ बाप को समझा। कितने दिनों तक हम ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? मेरी बात मान जाओ ना। बोलो, मानोगी ना? ए जी, मैं इतनी आसानी से नहीं मिलूंगी। अरे रुक जाओ ना, छोड़ो मुझे, मत जाओ ना। अरे? तुम मेरी हो ना सोना, रुक जाओ ना। अरे तुम मेरी जान हो, रुक जाओ। तुम मेरी चांद का टुकड़ा है। अरे रुक तो जा। हाँ वो तो मैं हूँ ही, अब छोड़ो। तुम्हें शहर पसंद नहीं है क्या? इसीलिए थोड़ी हिम्मत करना, फिर यहाँ से भाग जाएंगे। देख, मुंबई या कोलकाता भाग जाएंगे, फिर हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, समझी? वहाँ तुम्हारे लिए फूलों की दुकान लगा दूंगा, फिर मैं काम पे चला जाऊंगा। उसके बाद 2 साल के बाद बच्चा, अब बच्चा होगा तो बच्चे को लेके गाँव लौट आएंगे। जरा दिल को बड़ा करो ना, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। अरे, अरे ये क्या बात हुई? जब भी देखो कहते हो भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। जानू, ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? कितनी बार कहूँ मैं आपसे, मैं से चोरों की तरह भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी माँ तालाब में डूबकर अपनी जान दे देगी, ऐसा कहा था उसने। और तुम ये बातें मुझसे क्यों कह रहे हो? अगर उसे तुम्हारे साथ संसार नहीं बसाना है तो तुम्हें इतना परेशान क्यों करती है? और तुम्हें जब दूसरी शादी करनी ही है तो वो मान क्यों नहीं रही है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ भी करके मैं उसे मना लूंगा। इस बार मेला आने से पहले कैसे भी उसे मना लेना, वरना मेरी माँ किसी और के साथ मेरी शादी पक्का करवा देगी। हाँ अरे अरे अरे, ऐसे मत कहो, ऐसा क्यों कहती हो? मुझे डर लग जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, छोड़ो मुझे। तुम ऐसे बोलती हो तो मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम ऐसे बोलोगी ना तो मैं जहर भर खा लूंगा। तुम ऐसी बातें मत किया करो। एक बात कहूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार बाजार में देखा था ना, तभी मुझे पसंद आ गए थे। बाजार में लड़की को पटाना ऐसा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच नहीं बनती। ए सुनो, मुझे कुछ नहीं पता था, उस जुड़ैल के साथ गलती से शादी हो गई। तुम ऐसे पास रहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कर रहे ना? क्या कर रहे हो? मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे दिल में घंटी बजती है। छोड़ो ना। सच कहता हूँ, चुन चुन आवाज आती है। नागी,
ए नागी, ऐसे मूर्ति बनकर क्यों बैठी है? इस पर भूत चढ़ गया है। बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। अरे आप ही इसे समझाइए। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए हैं? 4 ही साल तो हुए हैं अभी। मेरी बहन को तो 8 साल के बाद भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब बताओ यार, ऐसे उदास बैठी रहोगी तो कैसे चलेगा? पति को खुश करना चाहिए कि नहीं? अरे एक और बार समझाइए, इसका पति भी तो कैसा है ना, भैंस जैसा। मेरा पति भी तो वैसा ही है, मगर परसों मैंने उसे मजाक चखा दिया था। ऐसा क्या किया आपने? हाँ, वो क्या हुआ था पता है तुम लोगों को? क्या हुआ था दीदी? इस सुबह जब मैं नई नई आई थी तो मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे, यहाँ वहाँ सब जगह। अब क्या हुआ, जवाब दे तो मुझे। अरे नए नए में ऐसा ही होता है, उसके बाद मन भर जाता है जानती हो। कभी कभी अच्छा लगता है, खुशी भी मिलती है। रात हो गई, सो जाओ। हाँ, सुबह बात करेंगे, ठीक है? सो जाओ। ओह, तुम मुझसे प्यार करना तुझे तेरे रोज के काम जैसा लगता है? ठीक है, छोड़ा। मैं किसी और को ही बुला लूंगी। आइए आइए, मेरे सुब्बा महाराज को ना मुझसे प्यार करने में शर्म आती है, रोज का काम लगता है। अब आप ही आओ और मुझसे प्यार करो, तब पता चलेगा तुझे कि कैसे प्यार होता है। ए, क्या बोली? फिर आगे क्या हुआ वो तो बताओ। सुब्बा ने क्या किया फिर दीदी? सुब्बा ने क्या किया बताऊं क्या? हाँ, मुझसे कहने लगा कि आज के बाद तू जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। कहने लगा जब भी तू मुझसे कहेगी ना मैं तुझसे भरपूर प्यार करूँगा। अच्छा दीदी, फिर रात को आपके साथ क्या हुआ ये भी तो बताओ। हाँ, 3 बजे उठने वाला सुबह 6 बजे उठा, ऐसी हो गई उसकी हालत। चलो किसी दिन से बाहर निकल, कब से नदी में पड़ी हुई है। ओ, देखो ना दीदी, हमारी नागी कितनी खूबसूरत लगती है जब हंसती है तब। नागी एक बात सुनो, अपने पति भी ना बच्चे जैसे होते हैं, हर बात के लिए बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं, उनकी बात को इस तरह से दिल पर नहीं लगाते। सब ठीक हो जाएगा। क्या सुबह, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझ सकते हो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। एक बात समझ लो भाई, तुम मुझे जो कुछ भी दोगे वो लेकर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, ठीक है ना? क्या रे कारिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तू चुपचाप खड़ा रहना। अरे तू जाना। सुब्बा, तुम जो देते हो हम तीनों में बांट लेते हैं ना, जरा ईमानदारी से बोलो भाई। छोड़ो, इसके बारे में क्या बात करनी है। हाँ, ऐसे सवाल पे सवाल करके तो काम होगा क्या? हाँ। सुनो भाई, तुम्हारा नहीं उसका नहीं, मैं एक फैसला लेता हूँ, तुम सबको मानना होगा। हाँ। वो क्या है बोलो, जो भी है। अभी गाय भैंस को चराना है, उन्हें खाना देना है, उसके लिए दोनों को 1000-1000 मिलेगा। देखो, हमने 3000 बोला था, उससे कम नहीं लेंगे, समझ गए ना? तू चुप कर, उसे बोलने देना। हे, ज्यादा बकबक मत कर, पहले बात तो सुन ले। आधा 2 मन गेहूं, ऊपर से 1000 रुपए, उसके बाद 2 दिन खेत में आके काम करना होगा, बोलो। हाँ वो तो है। ठीक है यार, और क्या करें, ये काम हमने करेंगे तो और कौन करेगा, कल से ही काम पर लग जाते हैं। जरा समझाइए इसे। ये हुई ना। अरे जाकर काम देख। तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। ए, जा चलो, जाकर चलो, काम चलो, करना। अरे ये कैसे गिर गए, इतना भारी पेड़। अरे कल कितनी जोर से हवा चल रही थी ना, उसकी वजह से ये जड़ से गिर गया होगा। देखो कितना बड़ा पेड़ था यार। पर इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? अरे अच्छा ही हुआ यार, अपना काम कम हो गया। अगर गौड़ा को पता चल गया ना तो जो देने वाला है वो भी नहीं देगा, समझ ले। ए, चुप करना यार, तुम हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, उसे थोड़े ना पता चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा, वो तुम दोनों से पहले आकर देख गया सब कुछ। पेड़ को काटने का काम तो कम हो गया ना, अब मेरी बात सुन, ये वो नहीं चलेगा, ठीक है? क्या सुब्बा, क्या है ये?
देखो मारी भाई, आप कुछ भी कहो, जाकर अपना काम शुरू करो। खाना मुंह तक आकर निकल गया भाई। ए कारिया, अब हमारी किस्मत खराब है तो कोई क्या करेगा। तुम नीचे आओ, हमें काम शुरू करना है। 1000 की बात कर रहे थे, अरे जो मिल जाए वही ठीक है। अरे कार्य थोड़ा ढीला छोड़ना। अरे ढीला कैसे छोड़ू, ये बुरी तरह अटक गई है। अरे अटक गई है क्या? अरे खींच रहा हूं ना। खींच खींच, अरे जरा ठीक से पकड़ना, खींच उसे। खींच तो रहा हूं। मिलता है क्या? उस तरफ जोर से खींच 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 खींच, अरे खींच और जोर। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? देखो मेरी आरी टूट गई, पूरी टूट गई। टूट गई क्या? नहीं दे रहा है क्या? लगता है इस पेड़ में कोई भूत भूत है, इतनी मजबूत आरी टूट गई। देखो देखिए, हमारी आरी तोड़ दी इन्होंने। जिसने आरी तोड़ी उसका हाथ टूट जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तुम लोगों से जिसे काम करवाया है वो भी बर्बाद हो जाए। तू अरे 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 अरे, हमने जानबूझकर थोड़े ही किया, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये ठीक नहीं है। ध्यान से काम करना नहीं आता है क्या बेवकूफ कहीं का? देखो कैसे खड़े। अपना मुंह बंद करो, बहुत बकवास कर रहे हो। ए करिया, क्या बकवास कर रहे हो? जरा मुंह संभाल के बात किया करो। हाँ, और हम किसी के साथ आलतू फालतू हरकतें करते हैं क्या? बोल थू। तुझे बता देती हूँ मैं करिया, मेरी आरी जैसे थी वैसे ही नहीं लेकर आए ना, तो उसी आरी से तेरे हाथ काट कर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। मैं समझ रहा है ना, मैं ऐसे चुपटने वालों में से नहीं हूँ, समझा? चल अब जा यहाँ से, मेरी आरी जैसे थी वैसी की वैसी बनाकर वापस ला के तेरे मुझे चलिया ना, छोड़ूंगी नहीं वरना मैं तुझे। चल, क्यों मुंह लग रही है इन लोगों के, चल यहाँ से। अरे दीदी, वो आरी मेरे पिताजी ने दी थी मुझे, इन लोगों ने तोड़ दी, देखा ना आपने। और कैसे मुझे ही सुना रहा था, मुझसे पूछ रहा था मैं कौन हूँ। आ ना मेरे घर पर, फिर मैं भी बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो चलो चलो, चल जाने दो उन्हें। तू देखा ना क्या हुआ, इन लोगों ने तो हमारा अपमान कर दिया। ये ऐसे मानने वाले नहीं है, इन सबकी ज़बान कैची की तरह चलती है। इस दानम की वजह से सारी की सारी औरतें बिगड़ गई हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं सबकी सब। सरकार के काम के लिए बहुत शोर हो रहा है। सरकार बोल तो रही है कि जमीन देगी, अब कौन सी जमीन हम उनको दिखाएं, आप बताइए। अब एक ही जमीन है जहां पे हम आसानी से कब्जा कर सकते हैं गुरुजी, उसके लिए वो कुमार की जमीन लेकर इंतजाम कर लिया था, लेकिन हमारी जमीन में बोर नहीं गाड़ सकते ऐसा मना कर दिया उसने। मारन ने भी कहा था कि किसी के पास अच्छी जमीन है, लेकिन वो नहीं चलेगा गुरुजी, वो तो सिर्फ एक ही एकड़ है। चल ठीक है, उसके बगल में किसकी जमीन है वो बता। वहां तो काला गौड़ा की जमीन है। अरे शंकर, उन अधिकारियों के आने से पहले एक काम कर, हाँ उस मारन की जमीन में वो बोट गाड़ दे। जैसे ही अधिकारी लोग चले जाएं, उसके बाद उस मारन और काला गौड़ा की जमीन को मिलाकर यही बांटने वाली जमीन है ऐसा कह देना, उसके बाद उस बोट को हटा देना, क्या समझे? बेस्ट आइडिया, करता हूँ। कहीं ये बात उस मारन को नहीं बता देना। अरे किसी को नहीं बताऊंगा, पूरा काम खत्म होने के बाद 2-3 दिन पिला के रखेंगे सब मस्त। सही है ना गुरुजी? निकलता हूँ। पांडुरंगा भगवान, तुम्हारी ही दया है। अरे अरे ये क्या है, पनौती पनौती, इसको किसने यहाँ पर गाड़ दिया? अरे मेरी जमीन में किसने गाड़ा इस बोर्ड को? कौन है वो? मेरे सामने आ गया तो उसके हाथ पर तोड़ दूंगा मैं। तू बर्बाद हो जाए, तू, तुझे मेरी जगह मिली थी गाड़ने के लिए, कभी ना कहीं का। मारी भाई, मारी, ए, मारी, मारी, ए, मारी, सुन, 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 अरे मेरा है, मेरा है, क्या कर रहा है तू? अरे वो ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, चलो चलकर देखते हैं। अरे वो मेरा बोर्ड था, काहे को गाड़ दिया तुमने? तो तेरा ही काम था ये सब। अरे क्या यार, मैंने तेरे साथ क्या गुनाह किया जो तुमने मेरी जमीन में गाड़ दिया, बोलो ना। अरे वो क्या है ना, इस बोर्ड से तुम्हें क्या परेशानी है, है?
अरे दो तीन हफ्ते तक रहने दे, उसके बाद सब दिला दूंगा। तेरा ये सब काम मेरे पास नहीं चलेगा। ये चालाकी किसी और के साथ करना समझ गया क्या? मेरी जमीन में बोर्ड गाड़ दिया है, अब सरकार और बैंक वाले मेरी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो क्या मैं घास खाऊंगा? ए जाबे चुपचाप। ला 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 ये ले। दे, 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 दे। अरे ऐसी बात नहीं है रे, वो क्या है सिर्फ एक हफ्ते के लिए, मेरी इज्जत बचाने भाई। तेरी इज्जत बचाने के लिए मैं अपना सर कटवा लूं क्या? चल जाया चुपचाप। अरे ऐसा मत कर भाई। अरे जाया से नहीं होगा, बुला तो नहीं होगा। अरे जरा मेरी बात सुन भाई। अरे बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, समझा कर यार, बस एक दो दिन की बात है भाई। ओ ये बात है क्या? बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाकर वो कालप्पा ने मेरे पिता को 3 एकड़ जमीन दे दी है ना, उसे भी लूट कर ले जाने के लिए क्या? अरे ये बात नहीं है, तू तो बिना कुछ समझे अपने ही पे ले जा रहा है बस। मैं इसे यहाँ इसलिए गाड़ रहा हूँ कि सरकार की योजना है, मेरी बात सुनकर के सरकार मेरा साथ देगी और क्या? ए, अगर वो मान नहीं रहा है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम चुप रहो, टांग मत अड़ाओ बीच में। अरे अभी आई और बहुत बोल रही हो, पूरे गाँव पे कब्जा करना चाहती हो? मारी तू इसकी बातें ऐसे खड़े होकर क्या सुन रहा है? तू रुक, हम ही समझना चाहते हैं क्या है। चल जाए यहाँ से। हाँ जाता हूँ। ए, बात कर इनसे। क्या कहा तूने? हाँ अगर दीदी के बारे में कुछ भी और कह रहा तब देख लेना। अरे सुनो मेरी बात तो सुनो। ये जो चश्मा पहना है उसे उतार, फिर हम तुझसे बात करेंगे। चल उतार। हाँ तो। अरे कब से मैं देख रही हूँ तुझे, पता नहीं किसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? आंखों में ऑपरेशन हुआ है समझी? डॉक्टर का दिया हुआ चश्मा ये, समझ गई कि नहीं है? बहुत महंगा है समझी? ये कौन सा ऑपरेशन होता है? सच बोल, तेरी नजर ही ठीक नहीं है। अरे क्या बोल रही हो, ग्राम सेवक हूँ, ग्राम की सेवा करना मेरा काम है। यहाँ पे आप लोग का भला कर रहा हूँ तो आप लोग गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, ऐसे थोड़े होता है। तो फिर ये क्या? सघन भूमि योजना का बोर्ड है, सरकार की योजना है समझी? क्या गाड़ रहा हूँ तो फालतू में चिल्ला रहे हो? अच्छा सरकारी बोर्ड है तो कहीं भी लाकर गाड़ देगा क्या? तो दूर 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 चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ देखता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये क्या दीदी, इसके पास गए ही नहीं और ये गिर भी गया। अरे एक गिरे हुए इंसान को देखकर क्या करेगी, चलो हम चलते हैं। हाँ चलो चलो। अच्छा ही हुआ इसके पागल कहीं का। अरे बाप रे। अरे चल मदरी, क्या गिरे हुए को देख रही है तू? अरे बेचारा। ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ जाके अपना काम करो। ए हो गया क्या? चलना जल्दी करना। अरे मेरी चड्डी कहाँ है, दे मेरी चड्डी। ए पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, चल 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 जल्दी निकाल, चल 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 और तेज भागो। अरे भागो तेज, अरे जल्दी। अरे जीप आ गई है, जीप आ गई है, भागो भागो। अरे जीप आ रही है, जल्दी भागो, करो जल्दी करो, पुलिस की जीप आ रही है। निकलो यहाँ से, निकलो, भागो भागो, अरे पुलिस की जीप आ रही है, भागो, पुलिस की जीप आ रही है। अरे तू बाजू हट, करो निकलो। तू नहीं हटेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भागो, भागो, पुलिस की जीप आ रही है, अरे अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या हुआ, अरे क्या क्या बात है, बताओ मुझे क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो? अरे पुलिस की जीप आ रही है। अरे सुनो, ये कौन है वो लोग, उनका बैंड बजा के रख दूंगी हाथ से। पुलिस की जीप, चल अंदर चल अंदर, तू चल अंदर, छोड़ो। अरे छोड़ो, चल ना। अरे छोड़ो मुझे, अरे अंदर क्यों कर रही है? अरे अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है? सुनो, अरे अरे मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे जाने दो। अरे अरे उठ उठ उठ, अरे मुझे जाने दो, अरे पुलिस वाले आ जाएंगे, समझो। अच्छा मुझे सच सच बता, आखिर क्यों आए यहां पर पुलिस वाले? अरे पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे, उनके उठा ले जाने के बाद ही पता चलेगा क्यों। ए तू अपना मुंह बंद रख। ओ अगर पुलिस वाले ने तुझे छुआ ना तो सबके हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। क्यों आए हैं यहाँ पर, तू ऐसे ही घर में बैठा है? ओ फालतू में बैठा रहता है तो क्या कोई भी उठा कर ले जाएगा तुझे? देख तू पुलिस जीप आ रही है, बोल रहे हैं और अरे निकल लो, चलो पुलिस आ रही है, पुलिस की जीप आ रही है। अरे आग लगी तेरे डर को, वहां पर छुपकर क्यों बैठा है? चल अरे थू है तेरी मर्दानगी पे, इसके अंदर अनाज भरते। चल तू वहां निकल, रागी रखने की जगह पे घुस गया। बात कर ए, और कितने धीरे से बात करूंगी, धीरे से बात नहीं होती मुझसे। चल तू वहां निकल।
हम लोगों ने कोई गलत काम किया है जो हम लोग चुपचाप ऐसे छुपके रहेंगे? बहुत हो गया तेरा, मैं तो बाहर जा रही हूँ, तू छुपके बैठा रहे ना मर्थ कहीं का। सर बाहर तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा है सर। क्या हम लोगों ने कोई बड़ी चोरी वोरी की है? ए दानी, अब आनी दो, उसे देखती हूँ। यही वो गांव है क्या, तुम बचपन से जानते हो ना? हाँ सर यही वो गांव है। दिस फेलो डोंट मेक अ प्रॉपर स्टडी। इनसे इंक्वायरी कीजिए। नमस्कार मैडम। घर में और कोई नहीं है क्या? बात करनी थी। कौन चाहिए आपको? हाँ ऐसा नहीं है बहन जी, आज गांव का राउंड है ना, इसलिए यहाँ आकर हमारे साहब से बात कीजिए, आइए ना। मैं क्यों आकर बात करूंगी, कौन है ये? तेरे साहब को बोल चला जाए यहाँ से, चुपचाप निकलो यहाँ से। देखिए ये ऑफिशियल मैटर है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसी वैसी बातें यहाँ नहीं चलेंगी, हमारा गांव तो सबके लिए आम हो चुका है। चुपचाप निकल जाओ वरना सबको ठीक कर दूंगी, हाथ पैर तोड़ूंगी। एक बार मारना शुरू किया ना तो फिर रुकती नहीं हूँ मैं। चलो निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आता, चलो निकलो। क्या है, चलो निकलो यहाँ से। व्हाट इज दिस, स्टार्ट द जीप। ऐसे जल्दी करो, चलो। इलिटरेट, आज के बाद हमारे पूरे गांव की तरफ आंख उठा के मत देखना, नहीं तो ठीक कर दूंगी। थू बड़ाया साहब, साहब साहब से बात करो, मैं कोई आलतू फालतू हूँ जो इसके साहब से बात करने चली जाऊंगी? दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय करियर शी शोइंग मी व्हाट इज इट, क्या था? शी वाज शोइंग मी डंडा। चोर को तो पकड़ नहीं सकती और सीधे लोगों के घर में चली आती है। ए सुबा, गाड़ी चली गई है तो बाहर निकल, जाकर बैल को चारा डाल करा। क्यों अब तक ऐसे ही बैठा है? जीप गई बोला ना तुझे, बाहर निकल। अरे तुझे तो मैं ही दिखाती हूँ, एक बार कहा कि जीप चली गई, बाहर निकल। अरे मेरी बात तो सुन। वो क्या? तुम्हारा डंडा देखकर मेरा दिल घबरा रहा है, चड्डी गीली हो गई मेरी रे। ओ मेरे सुबुयो, मेरे महाराजो, मेरा गुस्सा देखकर इतने डर गए थे तुम। मैं ना दूसरी चड्डी लाकर देती हूँ, वो पहनकर बिना घबराए निकलो, ठीक है? ठीक है। महाराजो, मेरे महाराजो। This is highly irregular behavior, I say. सब लोग मेरा वेलकम करेगा ऐसा बोलकर मुझे बुलाया, लेकिन औरतों के हाथ से मेरी बेइज्जती करवाया। I will complain against you. दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। सर, that fellow coming, sir. ए रुको गाड़ी, गाड़ी रोको। ए रुको, रोको गाड़ी, रोको। Our department person coming, I say. हाँ। अरे stop the vehicle. Don't question me. जाओ जल्दी, जाओ। ए, तुम फील्ड में नहीं थे, गांव में नहीं थे, तुम कहाँ थे? तुम सही जगह पर खड़े क्यों नहीं थे? अरे अरे अरे, I say bloody idiot. ये अपना हार कचरे में फेंक दो। पहन लीजिए सर, पहन लीजिए सर, पहन लीजिए, पहन लीजिए। स्वागत, स्वागत सर। बस बस बस, क्या कर रहे हो? क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? तुमने कहा था कि सारे गांव वाले मेरा वेलकम करेंगे, लेकिन तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है? वो क्या है सर कि मैं आपकी राह यहाँ पे देख रहा था, आप पता नहीं किधर से उधर चले गए गांव के अंदर। सर मैं तो यहाँ पे था। Some aggressive woman, वो मुझे गाली दे रही थी, बद्दी गालियां दे रही थी। वो क्या सोच रही थी मेरे बारे में? वो क्या दिखा रही थी मुझे? क्या दिखा रही थी? डंडा, डंडा। वो मुझे डंडा दिखा रही थी, वो मुझ पे डंडा चला रही थी। सर वो सब स्पेशल अरेंजमेंट है। क्या स्पेशल? आई विल रिपोर्ट इट। तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तुम्हें सर्विस से निकाल कर तुम्हें घर भिजवा दूंगा। डर्टी फेलो। सर आपके पैर पड़ता हूँ। वो सघन भूमि बोल करके वो जगह लूट लिया था साहब, लेकिन इस गांव के लोगों ने सब बर्बाद कर दिया है साहब। अब हम क्या करें साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। साहब इस गांव का ग्राम सेवक हूँ साहब, लेकिन फिर भी मुझे कैसे मारा है आप देखिए ना साहब, लाल कर दिया एकदम, टांगे भी तोड़ दी साहब। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे काम से मत निकालो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, काम से मत निकालो साहब। साहब अट्रोसिटी असॉल्ट सर, सेक्शन 324 8 विद क्लॉज 1 अट्रोसिटी एंड असॉल्ट केस। गेट अप, आई से गेट अप, उड़ जा। फाइल क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट लेडी।
ऑल्सो उस घोड़ा के ऊपर भी फाइल वन केस, फिर उस डंडा लेडी को पता चलेगा। समझ गया, चलिए चलो गाड़ी स्टार्ट करो। अब जाओ क्या साहब? मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगा, अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। लकड़ी का डंडा, डंडा डंडा पकड़ो इसका, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ठीक है ठीक है साहब, सब डंडा क्या क्या था वो? हाँ ठीक है, डंडा दिखाती है मेरे को, मेरे साथ जो हुआ कभी भूलूंगा नहीं मैं। कितने साहब तेरे जैसे देखे जो आए और चले गए, तू आया है बहुत डंडा करने वाला है। ए, मैं हूं ना, क्यों इतना डरे हुए हो? चुपचाप बैठ जाओ और शांति से बैठो। थुप, अरे ये क्या हो गया, जल्दबाजी में शर्ट की जगह अपनी बीवी का साया लेकर आ गया। अरे भाई ये देखो अभी से मैं कैसे पहनूं। अरे बस कर, ये तो मजाक करने का वक्त है, एक तो ऐसे ही परेशानी में पड़ा हूँ। गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, कोई गया है क्या गांव में हाल देखने के लिए? अगर जाएंगे ना तो उठा के अंदर डाल देंगे। ये लोग तो हमेशा डरने वाली ही बातें करते हैं। कालप्पा, बाजार में धंधा करने वाले तुम सिर्फ एक ही हो, कहीं तुमने वहाँ कुछ कांड करके तो नहीं आया ना जो जीप यहाँ पर आ गई? तेरी तो एक लाख मारूंगा, वहाँ जाके गिरेगा। बिना मतलब का इल्जाम लगा रहा है, ऐसा दिखता हूँ क्या तुझे? बहुत छोटा है तू मेरे सामने, व्यापारी आदमी हूँ, कभी गलती नहीं करता, समझ ले। अरे सुनो, कौन बुला रहा है? कौन है यार? अरे कहाँ गए साहब? ओ अरे रुको, ये तो सुब्बा है। अरे पुलिस जीप चली गई, बाहर आ जाओ। अरे सुब्बा, तू हम लोगों के साथ भाग कर नहीं आया, कहाँ छुपा था? अरे मैं भागा नहीं था, अरे दानी मुझे कहीं जाने ही नहीं दी, घर में रोका था उसने मुझे, जीप वालों को डरा कर भगा दिया उसने डंडे से। ऐसी क्या? क्या? क्या क्या सच में? अरे सच में भाई, बोली जिस रास्ते से आए हो वैसे ही चले जाओ और वो लोग भाग गए। देख लिया ना मेरी बहू की हिम्मत। अरे आप चुप करो ना दादाजी। अरे अभी अपने गांव में पुलिस की गाड़ी क्यों आई ये सोचो। अच्छा ये बात है। अरे यार वही तो मैं भी बोलने जा रहा था, अरे जो आए थे वो तहसीलदार की गाड़ी थी। तुम लोग आगे पीछे तो कुछ सोचते नहीं हो, बस लग जाते हो डंडा लेकर, आके यहाँ छुप गए, अब मैं क्या करूँ, मेरी गलती है? अगर हमारे साथ कुछ गलत होता तो तुम हमारी सहायता करने नहीं आते? अरे सच में परेशान करके रखा है, दोबारा इस गांव में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। चलो 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 बाहर, सीमा के बाहर कर देंगे उनको। ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा शंकर? तू तो जानता ही है कि मैं कितने गांव घूमा, कितने गांव का पानी पिया। एक 12 साल की लड़की को अपनी बीवी बनाने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैं नहीं गया। गांव में सब चोर हैं गुरुजी। अब वो करिया को ही देखिए, पूंछ हिलाता रहता था मेरे सामने, आस्तन के खड़ा हो गया, बात करता है मुझसे, मेरे सामने बात करता है वो, बताइए अजीब आदमी है भाई। मेरी बात सुनो शंकर, हमें भोला बनकर रहने का नाटक करना होगा। भोला बनकर रहोगे तो समाज और लोगों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, और अगर भोला बनकर नहीं रहे तो भगवान की तस्वीर की जगह हमारी तस्वीर लगाकर टांग देंगे। इसीलिए तुम इस जाति से उस जाति को और उस जाति से सारी जातियों के बीच आग लगा दो, फिर देखना मजा। जय उग्र भैरव। जातियों को आपस में लड़ाना ठीक होगा गुरुजी? हम मैं तुझे कैसे समझाऊं शंकर? तुम अभी नहीं जानते हो कि धर्म की राजनीति कैसे होती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने ही सब कुछ करवाया, सारी चालें चली। युद्ध मत करो, किसी की हत्या मत करो, चेहरा छुपाकर अपने घर में जाकर सो जाओ। अगर वो ऐसा अर्जुन से बोलते तो क्या ये सारी घटनाएं होती? नहीं गुरुजी। इसीलिए अगर वो ऐसा कुछ करते तो ना महाभारत होता और ना ये भारत ही रह जाता। शंकर, उस झगड़ा की वजह से लोगों को खाना मिल रहा है। क्या खाना? पेट के लिए। अब जो तहसीलदार ने कहा है ना, तू बस वो काम कर,
पुलिस को अर्जी दे दे। पुलिस भी तो हमारी ही है ना। ये बात वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। तू बस एक ही बात को लेकर चल, उस नारायण को बुला ले। हाँ ठीक है, हाँ बुला लेता हूँ मैं उसे। जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे किस बात की चिंता, उसे जल्दी बुला ले। हाँ। इसमें तो कोई दम ही नहीं है। इसमें ऐसा क्या लिखा है? लिखावट में कुछ दम होना चाहिए, पढ़ के लोगों को डरना चाहिए, डर के मारे आ जाना चाहिए। अब सोच समझ के लिख, मैं बोलता हूँ लिख लिख जल्दी। स्याही भी नीचे गिरा दिया, अब आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। अरे लिखो लिखो, मैं जो बोलता हूँ वो लिखो। केस वेस का नाम सुनते ही दिल में घोड़ा दौड़ने लगता है। जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें क्या कहूँ, वो लोग बुलाते हैं तो जाने का नियम है। मैं एक बात कहूँ, इतनी सी छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलने वाले लोग तो बहुत हैं। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है ऐसा कह दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा बस। वो क्या है ना नारायण, हमने तो कभी किसी बैंक से पैसा वैसा तो लिया नहीं है। अभी आप जाके बोलोगे कि वहाँ साइन करो तो कैसे चलेगा? ये हो ही ना मर्दों वाली बात। साहब सुबह आते ही शाम को घर चले जाते हैं, लेकिन सुबह से चेहरा तो हम लोगों का ही देखना है ना। अगर तुम लोगों को कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। अभी चलो मेरे साथ, चलो। हाँ ठीक है ठीक है, जैसे लेकर जा रहे हो ना वैसे ही लाकर छोड़ना होगा। मुझे तुम पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ठीक है? अरे तुम बीच में क्यों बोल रही हो? अरे ये बेचारा नारायण हमें ले जाने के लिए बहुत बेताब है। सही कहा ना नारायण? आपने एकदम सही कहा जी। हाँ। साहब का क्या है, बोल कर चले जाते हैं, लेकिन आपको पता है पूरा दिन तो हम लोगों को काम करना पड़ता है ना, हैं? मैं तो नौकर हूँ साहब, मुझे तो वो करना पड़ता है जो साहब बोलता है। मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं जाएंगे तो नौकरी जाएगी मेरी। ये लो सुनो। बहुत बड़ी बात बोल दिया भाई, अब चुप हो जाओ। तो बैठे बैठे एक कप कॉफी पिला दीजिए। लाती हूँ। तुम लोगों को तो मुफ्त की आदत होती है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो कॉफी पिला पिला के ही मार डालूंगी। क्या बहन, मेरे रहते कुछ हो सकता है भला? ये नारायण अपने वचन से पीछे नहीं हटता है, है ना भाई? इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से कॉफी पिला दो ना। अरे चिंता क्यों करती हैं? साहब, केरगुर वालों को उठा लाया मैं साहब। तुरंत इन्हें अंदर डाल दो, सब के सब बेवकूफ हैं। चलो रे, ऐ चलो रे। अरे चलो, अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हैं बड़े? उतारो कपड़ा। अरे हेलो, क्या ए नारायण, आओ। आया आया साहब। ये कौन सा केस है? मुझे नहीं पता, इन्हें नारायण सर लेकर आए हैं। ये कोई लफड़े वाला केस लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली केस होगा। और कितने घंटे यहां ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा? चलो चल के बैठते हैं, चलो। शिव जी। जिंदगी में यही नहीं देखा था, आज वो भी देख लिया। हे, तुम लोगों को कोई गंध नहीं आ रही है क्या? कितनी गंदी बदबू आ रही है, इससे तो मेरा नाक दर्द करने लगा। इसे कि अपना घर समझ रखा है।
बदबू तो आएगी ना। हैं? पेशाब तो सबको यहीं पे करना पड़ता है। हाँ। आप कौन है भाई? हाँ? आप यहाँ कैसे, ये पूछ रहा था। मैं यहाँ क्यों आया ये जानना चाहते हो ना? बड़े घोड़ा के जैसा रंगा घोड़ा एक था, उसके बारे में तुम लोग कुछ जानते हो क्या? उसने मेरी बीवी पर नजर डाली थी। ऐसा? उसके सर पर पत्थर मार मार के सर फोड़ डाला मैंने उसका। अरे दे दे, कमीने लोग ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। सर के दो टुकड़े हो गए इन्हीं खूनी हाथों से। मैंने उसका खून कर दिया। मर्डर, खून, खून का केस है बे मेरे ऊपर। यहाँ क्यों हूँ यही पूछ रहे हो ना? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? परेशान करके रख दिया है तुमने। इसने जो किया है वो सुनकर तो हम लोग डर गए। क्या कहा उसने? खून, बोल रहा है इसने खून किया है। खून? अच्छा अच्छा, ऐसा कहा क्या? ये जो है रंगा गौड़ा के घर में चोरी करने गया था। अरे बस करिए ना साहब। और वहां रंगे हाथों पकड़ा गया है। खून करने वाला लगता है ये? अब कोई आवाज नहीं चाहिए, समझ गया ना? अब इन्हें किस गांव से लेकर आया पता नहीं। इतना फेंकेगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई? भाई ऐसा कहा क्योंकि सच कहूंगा तो मेरा मजाक उड़ाओगे, खून किया बोलूंगा तो मेरे सम्मान की बात होगी। वो ऐसे अपने गांव में, शहर में, जेल में, इतना ही क्यों, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में भी चोर को कोई इज्जत नहीं देते है ना। अगर वही खून किया बोलूंगा तो बहुत सम्मान की बात होती है। एक खून करने वाले को सम्मान मिलता है। हाँ। अब आप लोगों को देख लीजिए, मैं चोर हूँ ये आप लोगों को पता चलने के बाद। देखो आप लोग मजे से बातें कर रहे हैं। अगर मैंने सच में खून किया होता तो मेरी तरफ देखने से मुझसे बातें करने में भी डर लगता था। अरे मेरी बातें छोड़ो, आप लोगों का क्या केस है बताओ। अरे केस क्या है, हम लोगों को खुद ही नहीं पता भाई। ऐसा क्या? फिक्स फिक्स हो गए भाई। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई इन्हें मिल गया तो तुम जैसे लोगों को उठाकर ये लोग चोरी का केस बना देते हैं भाई, और ये लोग फिक्स कर देते हैं। इसे ही फिक्स कहते हैं। बाप रे, ये क्या हो गया? अब तो मैं गुनहगार बन गया। अब मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? अभी तक तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए। अरे बकवास बंद कर। हे भगवान, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इन सालों को छोड़ना नहीं है, मारना है। ठीक है साहब। अरे छोड़ साहब, साहब चोर साले, ऐसा क्या करते हो? छोड़ साहब, चोर कमीने साले, खोल मुंह, कौन खोल मुंह, जो करना था वो सब करके अरे क्या शरीफ बन रहे हो, बोल बे साले, क्यों किया बोल साहब। अच्छे से कूट के मारा है साहब। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम लोग जाओ सोने दो। इनका क्या करे साहब? करना क्या है, अंदर पड़े पड़े सो जाएंगे, जो भी बाहर है उन्हें अंदर डाल दो। उसमें जगह नहीं है। हैं? क्यों जगह नहीं है? सुबह चार लोगों को लेकर आए थे ना। हाँ तो उन चारों में से चोर तो एक ही था ना। हैं? आपने ही तो कहा था साहब। मैंने कहा था तो ठीक है, एक काम करो लेकर आओ उन्हें। ठीक है साहब। Mm.
कौन हो तुम सब? तुम्हारा केस क्या है? आराम से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा केस क्या है? हमें कुछ नहीं पता है साहब, कुछ नहीं जानते हैं। मैं पूछ रहा हूँ केस क्या है, तुम बोल रहे हो कुछ नहीं जानते हो। है काम क्या करते हो तुम लोग? किसान है साहब। ओ किसान हो, देखने में तो लगते नहीं हो, जरा हाथ दिखाओ। अरे साहब तेरा आहा हाथ कितना नरम है तेरा, और तुम किसान बोल रहे हो खुद को, झूठ बोल रहा है। ए तुम में से कोई खेत में काम नहीं करता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग बाजार में कहीं काम वाम करते हो समझे, चोरी वोरी तो नहीं करते हो है? पिक पॉकेटिंग वगैरह बोलो। नहीं साहब ऐसा नहीं है, चाहिए तो उनसे पूछे वो बता देंगे। क्या कह रहे बुड्ढे साहब? वो मैं उस दिन कह रहा था ना किरगुर गांव का मामला। समझ गया मैं, तुम लोग जानबूझकर दूसरे के मामले में टांग अड़ा रहे हो। टांग अड़ाने का तुम्हें ज्यादा शौक है, ज्यादा शौक है। बोल। ए सुन, दोबारा किसी छोटे आदमी के मामले में टांग अड़ाया तो तेरा बुरा हाल करूंगा, हाथ पैर भी टूटेंगे और जेल में सड़ते रहोगे जिंदगी भर। टेररिस्ट वाले केस में तुम्हें मैं अंदर कर दूंगा, सारी जिंदगी सड़ोगे, समझ गए? तुम्हारी तो टांग अड़ाएंगे। तू बुड्ढे तू अड़ाएगा, तू दोबारा कुछ बोलना मत। है इन सबको प्रसाद मिला क्या? नहीं साहब। नहीं मिला अभी तक? नहीं साहब। इधर ना आता हूँ। जो भी यहाँ आता है वो बिना प्रसाद लिए यहाँ से नहीं जाता है, समझे? सुनो क्या कहा तूने? मिस्टेक नहीं, 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 नहीं। मिस्टेक हुआ तेरे से? हाथ निकाल। मिस्टेक साहब, इनमें से कोई भी आदमी साहब बिना प्रसाद लिए जाना नहीं चाहिए। ठीक है साहब, मैं जाकर सोता अच्छा हूँ। सिगैया कोड़ा जी, काला कोड़ा जी। अरे बाप रे, कपड़ा भी भूल कर जा रहे हो क्या? ये लो मेरे साहब जी, ये सब कुछ हुआ है बोले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हारे गांव के हरिजन लोग हैं ना, तुम लोगों के खिलाफ अर्जी दिए हैं, तुम लोगों के खिलाफ अन्याय किया है। हाँ हाँ, मैंने अपने साहब से बात किया कि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, मैंने रोया गिड़गिड़ाया तब जाके वो माने, फिर तुम लोगों को छोड़ा। उन लोगों से फिर पंगा मत लेना। ए साहब बुला रहा है। साहब जी। अरे निकलो निकलो निकलो, चली चली चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अरे अरे चुप रहो बेटा, चुप हो जाओ, जरा अपने आप को संभालो। अरे रो मत मेरे भाई। रो नहीं तो और क्या करूं, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। किसने अर्जी दिया, क्यों दिया, उन सबको बुला के पूछना चाहिए। हमें छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। अरे चुप रहो, ना ही पंचायत करना है ना ही अपनी बेइज्जती करवानी है। एक बात बताओ, पंचायत करने गए तो उन लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, ये सुनकर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, बताओ जरा। उसके बाद हमारे साथ जो हुआ है वो सब सुनने के बाद सबके सामने हमारी नाक कट जाएगी। तो अब क्या करें बताओ, फिर अपने साथ जो हुआ उसे कैसे सहें? आखिर हमारे दर्द को समझने वाला कौन है, है? प्रभु नमो नमः।
कारिया मारा। हाँ सिद्धा। हाँ हाँ सिद्धा, तुम्हारे खिलाफ अर्जी दी गई है। तुम लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तुम लोग उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं देते हो, उनके साथ भेदभाव करते हो, छोटी जाति वाले कहकर उनका मजाक उड़ाते हो और उनकी बेइज्जती करते हो। तुम लोग ऐसी कंप्लेन है। हमने दिया? छूता नहीं हूँ क्या? हाँ भाई। अरे सुबह उठते उनके साथ पीने बैठ जाते हैं। हाँ? शंकर भाई आप ही बताओ ना। सुबह से लेके शाम तक पीने की बात अलग है भाई, तुम लोग उनको बराबर पगार नहीं देते हो, ऐसी बात है इसलिए। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे वो लोग कई बार जब तुम लोग पीने बैठते थे ना, तब उन्होंने मुझसे भी कई बार बोला था, मैंने तुम लोगों को बताया भी था, लेकिन तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। अब देखो। अरे हाँ? चुप हो जाओ, अब इन सब के बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है शंकर। हाँ ठीक है गुरुजी। ये एक तरह की बीमारी है। हाँ? छुआछूत की बीमारी। ये बीमारी कहाँ से आई इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। इस बीमारी को कैसे ठीक करना है अभी उसके बारे में हमें सोचना है। अब हमें क्या करना है वो हमें आप ही बता दो गुरुजी। अगर तुम सब लोग अपनी अपनी जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा मुझे दोगे तो आज शाम को ही मैं उसे भगा दूंगा और कुछ ऐसा कर दूंगा कि उसे लकवा लकवा मार देगा। हाँ नहीं गुरुजी, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। करिया और बाकी सब ने इतनी छोटी जमीन को मेहनत करके इतना बड़ा बना लिया है, अब किसी के साथ ऐसा मत होने दीजिए, नहीं तो वो श्राप कहीं हमारे बच्चों को ना लग जाए। अच्छा तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। आपके घर पे दो दो गोनी चावल और गेहूं ला के दे देंगे, उसके ऊपर जो भूत चढ़ा है ना वो हम तक ना आए, बस ऐसा ही कुछ कीजिए। बस गुरुजी। ठीक है बेवकूफ लोग। सुनो भाइयों, तुम लोग हमारे भगवान उग्र भैरव पर हाथ रखकर कसम खाओ कि यहाँ की बातें तुम लोग बाहर किसी को भी नहीं बताओगे, ऐसा वादा करो। हाँ ठीक है। हाँ गुरुजी नहीं बताएंगे। और हाँ, औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं बताना, अगर बताओगे तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। हे भगवान, हम किसी को नहीं बताएंगे। लगता है ये फिर से अटक गई यार, कितनी मेहनत करो बार बार अटक ही जाती है। अरे आरी तो अटक गई यार, अब क्या करें, रोज रोज की मुसीबत है। इसमें से तो मिट्टी गिर रही है। हाँ वो तो गिरेगी ना। कैसी करामात है यार। सुनो है? एक बीड़ी पीते हैं चलो। हाँ। ओह क्या बात है कालप्पा, अभी जाकर लेकर आऊंगा बोलकर बुलाकर लाऊंगा ऐसा कह रहा था, अब तो शाम हो गई है। यह हमारा हाल देखो, हम दो लोग मिलकर घंटों से काट रहे हैं, जान निकली जा रही है। हाँ। वो कोई पेड़ हो कुछ भी हो, वो हमारा काम है, हम कर लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से। आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? एक बार बोला तो चले जाओ ना, बस इतना ही। अरे अरे अरे, हम पर तुम लोगों ने उपकार किया है, चलो भाई चलते हैं। चलो चलो। अरे कमाल है। अरे सुनो तो, अरे सुनो, अरे सुनो ना, तुम लोगों ने बहुत उपकार किया, इसका क्या मतलब हुआ भाई? देखो इन लोगों के बारे में तुम अच्छे से जानते हो ना, वो कालप्पा तो आधे दिमाग वाला है। पिछले 3 दिन से काम कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं भाई, अभी बिना पगार के ही छुट्टी दे रहे हो। हाँ। इस गांव में अपने अलावा और कौन है इतना बड़ा पेड़ काटने वाला, हमने आज काम छोड़ दिया तो क्या होगा सोचो, ये सब तो ऐसे ही कहते हैं, चलो अपना काम करते हैं, चलो चलो। मेरी बात सुनो, चुपचाप चले जाओ तुम, जरूरत होगी तो मैं भी चला जाऊंगा, वो बुला रहे थे, चलना होगा, काटने दो, उनका पेड़ है उनको ही काटने दो। अरे मेरी बात सुनो, कारिया कारिया। अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो दीदी, वो लोग बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे। अरे वो देखो 100 साल की उम्र है, आ गए देखो। अरे गौड़ा जी। हा? रात भर आप कहाँ थे, घर नहीं आए, हम सारी औरतें रात देख देख कर थक गई पता है। अब आ गए हैं ना, चुपचाप अपने घर चली जाओ, ये नाटक बहुत हो गया, कहाँ से आ रहा हूँ ये पूछ रही है। अरे ये गौड़ा जी को क्या हुआ, लेकिन हमने क्या किया है, चल कर आया है ना तो
थक गया होगा। तुम लोग दोनों जाओ ना, मैं पूछती हूँ क्या हुआ था, उसके बाद मिलती हूँ ना तुम लोगों से। अरे जाओ ना। हाँ ठीक है, मक्खन निकाल देना दीदी। जाओ, पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? सुनो, वो दोनों मेरी बहनें जैसी हैं। ऐसे कोई बात करता है क्या? ये डराना वराना बहुत हो गया, चुपचाप अंदर जाओ तुम, समझी? ए, कोई भूत वो चढ़ा है क्या तुझ पे? अरे चुप हो जाओ बेटी, बहुत हो गया। भूत हमें नहीं पकड़ा है, उनको पकड़ा है। इतने दिनों से तुम लोग मिल के बातें कर रहे थे, मैंने कभी रोका क्या? नहीं ना, इस मामले में तुम टांग मत अड़ाओ। हम अच्छे से जानते हैं हम हमारी जिंदगी कैसे काटते आ रहे हैं। क्यों, किस लिए, कैसे पूछना छोड़कर अंदर जाके अपना काम करो। देख क्या रही हो, अंदर जाओ जाओ। अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? इन बेवकूफों के सिवा और कोई है नहीं काम करने वाला। वो पेड़ काटने वाला ओनर कृष्णा गौड़ा का नाम सुना है? अरे पहले बात तो बताओ क्या है। वो क्या है ना कि उसने पेड़ कटवाने के लिए एक दल रखा हुआ है। ऐसा क्या? अरे भाई मैंने तो तुझे कहा ही था ना, वो दिखने में कैसा दिखता है, कृष्णा गौड़ा, कृष्णा गौड़ा जैसा दिखता है वो। सच कह रहा हूँ। अरे एक बात और सुन लो, इस तरह का काम करके ना वो आगे बढ़ा है कृष्णा गौड़ा, समझ गए कि नहीं है? अरे बाप रे, वो ये सब भी काम करता था क्या? अरे बाप रे, भेजता हूँ मैं उसको गाँव में, ठीक है ना? किस बेवकूफ ने ऐसे पेड़ को बीच में काट के छोड़ दिया? अरे हमारे ही गांव के हैं भाई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बेचारे इस पेड़ को कितना बुरा लगा होगा। पेड़ को भी दर्द होता है, उसे भी दुख होता है। इसको भी दर्द महसूस होता है क्या? क्या महसूस होता है? तुम्हारा क्या मतलब, उसमें जान नहीं होती है क्या? पेड़ में जान होती है। पेड़ में जान होती है क्या? उसमें जान नहीं होती तो वो मुझसे बात नहीं करते। बाप रे, पेड़ बात भी करता है क्या? ए चलो तुम यहाँ से, जाकर अपना काम करो। वो मुझसे बात करता है, कह रहा है कि दर्द हो रहा है, समझे? पेड़ ने अपने दिल की बात कह दी। पेड़ ने क्या कहा? लगता है इन्हें पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो छोड़ो भाई, ये देखो अम्मा की दुआ से लाडले ने क्या करके रखा है। ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है। बताओ भला, इतने बड़े पेड़ को ऐसे ही काट दिया और बीच में छोड़ दिया, कितना दर्द महसूस हुआ होगा। आधा खून करके रख दिया, शैतान की औलाद। ए तुमने पेड़ काटने का क्यों सोचा, बोलो? कोई तमाशा है क्या पेड़ काटना? पेड़ों में भी जान होती, समझ गए? पेड़ से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलता। ये बताओ तुम दरवाजा किससे बनाते हो? पेड़ से। हाँ चुप क्यों गए? पेड़ से ना। बैलगाड़ी के लिए क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। खेतों के हल किससे बनते हैं? पेड़ से बनते हैं। पेड़ अपनी जान कुर्बान करते हैं, तब जाकर इंसान की जरूरतें पूरी होती हैं। जानवरों और इंसान की तरह पेड़ के अंदर भी जान होती है, और ये बात ईश्वर ने भी बाइबल में बताई हुई है। चर्च के फादर भी ऐसा ही कहते हैं। तुम्हें पेड़ के बारे में कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछना, मैं सब बताऊंगा, समझ गए? तो आज से समझ लो, पेड़ से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ, बड़ी बड़ी चीजें। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेड़ के बिना नहीं बन सकती, सब कुछ पेड़ से ही होता है। तो तुम्हें कुछ भी पूछना होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। अनजाने गांव में अब ये हमें रास्ता दिखाने आया है। हमारे गांव के लोग कहाँ हैं? पेड़ काटने आया है क्या ये? अरे पूछे तो कौन है? ए ऐसे खड़े खड़े चेहरा क्या दिख रहे हो? ये लो पकड़ो। काम धंधा छोड़कर भाषण सुनने के लिए बैठ गए, आए बड़े, किसी को कुछ काम ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। वो बोलेगा और ये लोग सुनेंगे, सबके सब बेकार, सबके सब एक जैसे हैं, कोई किसी काम का नहीं है। ऊपर वाले मदद कर।
माताजी को हमारे ब्रदर के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है लगता है। हमारे काम के बारे में जान ली तो वो खुद सामने से आकर 2 बोरी गेहूं ज्यादा ही देंगी, देख लेना। रजाक ब्रदर, बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं। खींच इसे, खींच। हाँ, आया इस तरफ, आया उस तरफ, खींच, जोर लगा। बढ़िया बढ़िया, जोर लगा के, हाँ ऐसे संभाल कर, आराम से। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग एक हफ्ते से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकाल पाए, इन्होंने तो 1 ही घंटे में निकाल दिया। अरे क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग भी? देखा ना भाई, इन लोगों को शंकर भाई ने जैसा बोला था ना वैसा ही कर रहे हैं। अरे ये क्या देख रहे हो, छोड़ो। एक बार पता है हमारे कृष्ण गौड़ा ने क्या किया था? बिल्कुल सही। जब एक गाड़ी जाम हो गया था और रुक गया था, उसके बाद हमारे कृष्ण गौड़ा ने चुटकी बजाते एक गाड़ी को धम्म से निकाल दिया। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे कृष्ण गौड़ा ने क्या किया पता और है? नहीं तो क्या? कृष्णा भाई 100 हाथी एक तरफ और तू एक तरफ। बिल्कुल सही। उसके बाद ऐसा इनाम दिया, 5 बोरी गेहूं, कांदा, रुई दिया। रजाक, हम जो किए हैं ना वो बातें छोड़, आदमी का काम देखकर उसकी औकात मालूम चल जाती है। अब ये बताओ तुम लोग क्या 2 बोरी ज्यादा दोगे? बहुत अच्छे लोग। अरे रजाक, बहुत अच्छे लोग। मुझे एक बात और याद आ गई। अरे सुनना रजाक, एक पेड़ मुझे और याद आ गया, वो रोड के पास में है, तुझे याद आया? अरे वही रोड वाला। ओ, वो वाला पेड़ क्या? वही। उस पेड़ का वजन कितना था तुमको पता है? अरे रहने दो भाई, वो पेड़ काटने में माहिर है और ये कहानी सुनाने में माहिर है। अरे कृष्णा जी, अगर आप ऐसे ही कहानी सुनाते रहोगे तो हम लोग 10-20 कहानियां सुन लेंगे। सुनाओ। ठीक है सुनाता हूँ। एक पेड़ था, वो गिर गया। पता है ये किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला इतना बड़ा पेड़ था लेकिन मैंने और कृष्णा ने मिलकर काट डाला। अरे बेटा, उन्होंने काम के लिए किसी और को बुला लिया तो जाकर पूछ तो सही कि तुझसे गलती क्या हुई है। तेरे पिताजी चाचा जी के समय से आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तक गुड़ा लोग तो सम्मान देते थे लेकिन अब क्या हुआ पता नहीं। छोड़ो ना माँ, गुड़ा जी से सामने बात करेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये कारिया, आज जाकर पूछ ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कहा, कोई गलती थोड़ी ना किए हैं, पूछेंगे हम। अरे कहाँ जा रहे हो सब, इधर आओ, चीयर्स करेंगे। आ जाओ। चेयर? हाँ, जब साथ मिलकर पीते हैं तो प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है, समझ गए? और जब पीने से पहले सब एक साथ चीयर्स करते हैं तो मन में जो कुछ होता है वो बातें पूरी हो जाती हैं, इसीलिए पीने से पहले चीयर्स किया जाता है। मतलब पीने से पहले जो सोचेंगे वो सच हो जाएगा? हाँ कलप्पा, एक बार तू चीयर्स करके पी ले, सुबह देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू सुबह आकर मुझे बताना, ठीक है? जरूर ऐसा ही करूंगा। कृष्णा, ये वाइन नहीं है भाई। ये वाइन नहीं है, ये खुशियों की सौगात है, जो पीता है वही समझता है। चलो चीयर्स करें, आओ आओ। चीयर्स। ऐसा क्या? चीयर्स, तुम भी करो। एक ही घूट में खत्म कर दिया। ऐसे पीने से इसको इज्जत मिलती है। अरे ये ऐसे ही पीते हैं, ये स्टाइल है हमारे ब्रदर का। ब्रदर? अरे ऐसे ही। अच्छा। अरे सुनो ना भाई, रेडियो है ना, शुरू करो। हेलो रे, रेडियो दे। अरे लगाओ लगाओ। वाह वाह वाह। आखिर बात क्या है? आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, हुआ क्या है? ए चुपचाप पीकर चला जा, कोई कुछ भी करे तुझे क्या? अजीब जमाना है, एक तो लोगों के बारे में पूछो और खुद सुनो। अरे क्या हुआ तुम्हें,
कोई भूत भूत चढ़ गया क्या तुम्हारे ऊपर? किसे भूत चढ़ा है? क्या बकवास कर रहा है? अरे यार बक रहा है? उसे रोक क्यों रहे हो? बोलने दो ना उसे। तुम लोगों से क्या बात करे, क्या बात करे? अपने गांव में पेड़ काटने वाले हैं, फिर भी लोगों को बाहर से बुलाया, ये क्या सही है? अब हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम लोगों ने क्या अन्याय किया है तुम्हारे साथ? इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया। अरे क्या हुआ इसे? अरे अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे बात क्या है? अरे उठ जाओ भाई, है सुबह चल। अरे हुआ क्या? बहुत हो गई इन लोगों की मदद, अब कुछ नहीं चाहिए हमें। हे शंकर भाई, ये गुड़ा लोगों को क्या हो गया है? ऐसे उठकर क्यों चले गए? इन लोगों के मन में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, और नहीं तो क्या? उनके मन में क्या चल रहा है जानना चाहते हो ना, तो मेरी बात सुनो। छुपाइए मत गुरुजी, साफ साफ बता दीजिए। वो गौड़ा लोग आए थे, बोल रहे थे गुरुजी ऐसा कोई मंत्र फूकिए कि उन छोटी जाति वालों के हाथ पैर टूट जाए, अगर ऐसा कुछ करूंगा तो तुम लोगों का ही घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कहकर मैंने उन्हें भगाया, वो भी डांट कर। वो लोग हमारा बुरा सोच रहे हैं मतलब? अब हम क्या करें बताइए गुरुजी। मैं तुम लोगों को ऐसी ताबीज दूंगा कि उस गौड़ा लोगों में से किसी के भी हाथ में बांध दोगे तो वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, हमारे वंश में ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो वो गौड़ा लोग मेरे जैसा ही किसी के पास जाकर कुछ ऐसा वैसा तंत्र मंत्र करवा देंगे। हाँ करने दो, उनका ही वंश निवंश हो जाएगा, आज के बाद उनका कोई काम नहीं करना है। गुरुजी, गुरुजी अभी समझ में आया गुरुजी। चलो 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 चलो, उनका काम अब कुछ नहीं करेंगे, उनका काम कभी दोबारा नहीं करेंगे, हमने तो ठान लिया। गुरुजी ने बिल्कुल सही बताया है। चलो यहाँ से। हम और गौड़ा लोग मिलकर साथ में कितने प्यार से रहते हैं यही बोलते थे, मिलके दारू भट्टी में दारू पीते थे, साथ मस्ती करते थे, मजा आ गया ना। बोर्ड नहीं काटने दिया था मुझे इन लोगों ने, लात मार के भगा दिया, हिसाब बराबर इसकी तो। सुन शंकर, अभी तो मैंने बोतल में से एक भूत को बाहर छोड़ा है, अब देखता हूं इस खेल में आगे क्या होता है। इस सुबह उठना। क्या है? क्यों परेशान कर रही हूं इतनी रात में है? क्या है बोलो ना। क्या है बोलो। लोग तो अब तुम मुझसे प्यार नहीं करता। अरे क्या ऐसी बात कर रही हो, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर अब पुलिस स्टेशन में क्या हुआ ये क्यों नहीं बता रहा है मुझे? देख ये एक ही बात बार बार मत पूछा कर मुझसे, गुस्सा आती है जब देखो तब एक ही बात पूछती रहती है बेवजह में। अरे बाप रे, लात काहे को मारा मुझे, लग गई ना। ऐसे नाटक करोगे ना तो ऐसे ही लात खाओगे। दानी क्या है? तूने लात मारी ना, बहुत दर्द हो रहा है वहां। ए मरा तो नहीं ना, चुपचाप सो जा। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, कर रहा है कब से। अरे कृष्णा जी। हाँ। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? आपके गांव में बच्चा ना होने पे दूसरी शादी करते हैं क्या? कर तो सकते हो, करने में क्या है? लेकिन क्या है, सारी चीजें उस औरत के घर वालों पे डिपेंड करती है। मतलब मेरी एक कहानी सुनो तो समझ में आएगा। हाँ। मेरी बहन की शादी हुए 3 साल हो गए थे, लेकिन उसे तब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था।
तुम बैठो ना, आराम से बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरे जीजा ने दूसरी शादी करने का तय कर लिया। हमारे गांव में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के पास जाकर मैं सोचने लगा कि क्या करूं, अब क्या करूं, आखिर करूं क्या। पेड़ को परेशानी बताई और उससे लिपट कर मैं रोने लगा। फूट फूट कर रोया मैं उस पेड़ के सामने। फिर पता है पेड़ ने मुझे बता दिया कि करना क्या है, और मैंने बिल्कुल वही किया। ए कलपा, टॉवल अपने कंधे में डालकर उनके पास जा और साफ साफ बोल दे, अगर ऐसा करोगे तो चाकू से तुम्हारा गला ही काट दूंगा मैं। फिर देखना तुम कैसे काम बनता है तुम्हारा। कलपा, तुम्हारी बहन या किसी और के साथ ऐसा हो तो मुझे बताना, एक बार में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे बाप रे, सारी बातें बेवजह ही तुम्हें बता दी, मिस्टेक मेरी है। चलो नाश्ता करते हैं। मैं सुबह सुबह उठकर मैं काम के लिए आती हूँ, फिर खेती करके शाम को घर लौट जाती हूँ। अरे रे 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 रे, इसकी तो इतना करने में ही 25 दिन लग गए क्या, बेवकूफ लोग। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। हे कृष्णा भाई, अब आगे क्या करना है। देखो, अगर मेरे हाथ में इतना बड़ा हथियार होता तो मैं इस पेड़ को अकेले ही काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता, समझ गए। ए कृष्णा भाई, हाँ? ये मत भूलो कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम अपने दोस्त रजाक के साथ हमें भी बोलो, हम भी करेंगे। अरे रजाक ब्रदर, हम लोग मूड़गिरी गांव गए थे, तुम्हें याद है ना? हाँ। वहाँ पर इतना ही बड़ा एक पेड़ था। हाँ ब्रदर। वहाँ पर हमें चावल और दाल दान में मिला था, जरा उसका नाम तो याद कर लो। अरे बोरे ब्रदर, इतना बड़ा बड़ा नाम था, चांद साहब। अरे नहीं, चांद साहब नहीं, पूरा नाम बोलो, पूर्ण चंद्र तेजस्वी, याद है भाई, भाई। कालागुड़ा जी। वो लोग देखकर मुझे क्या बोले आपको पता है, मेरे जैसा पेड़ काटने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो मेरी बातों पे एक कहानी भी लिखेंगे ऐसा बोला। फिर जानते हो मैंने उनसे क्या कहा था। अरे भाई बस करो, तुम्हारी कहानी सुनाने का बहुत वक्त मिलेगा। वहाँ वो रास्ते पे ना एक पेड़ गिर गया है, उसे भी काट के हटाना होगा। तुम लोगों को ही वो काम करना है, जल्दी से काम खत्म करो और आ जाओ, ठीक है। ठीक है छोड़ो, मैं जो कहता तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, चल काम करते हैं। अच्छा तुम लोग काम करो, मैं कहाँ जा रहे हो। बाजार जाके आता हूँ। अच्छा सुनो, जाने से पहले थोड़ा जोर लगा कर जाओ, आओ थोड़ा सा काम बचा है वो कर लो। अरे चलो चलो यार। अरे मैं बोलूंगा जोर लगा के हाईशा। अरे यार मैं बोलूंगा जोर लगा के, तुम बोलना हाईशा, समझ गया, ठीक है। चलो लगाओ, जोर लगा के हाईशा। अरे सबको एक साथ बोलना है, नहीं तो पेड़ ये आगे नहीं बढ़ेगा। पूरी ताकत लगाओ और बोलो, एक साथ लगाओ, चलो जोर लगा के हाईशा, जोर लगा के हाईशा। बोल रहे हैं जरा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तुम लोगों ने अच्छे से जोर नहीं लगाया होगा, जरा पीछे हो जाओ। कालागोड़ा जी चलो बांस लेकर आते हैं। अरे रजाक जाकर उठाकर लेकर आ। हाँ ठीक है ठीक है, जोर लगाओ जोर लगाओ, हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ बहुत बढ़िया, और जोर लगाओ, अरे 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 उठ रहा, नीचे टुकड़ा रख दो, पत्थर का जल्दी रजाक। अरे रुको पत्थर लगा, अरे आराम से आराम से, अरे क्या हुआ, छोड़ो छोड़ो, अरे उठो उठो, आ जाओ, अरे बाप रे क्या हो गया, यहाँ बैठ जाओ, सवाल के सवाल करो, सवाल के सवाल किधर आ, अरे जोड़ तो लगी ज्यादा लगी, इधर देख क्या हो गया, देखो हां अरे तुझे बोला था पत्थर रखने के लिए, तुझे पत्थर नहीं रखा क्या, टूट गया, अरे अरे ओ माजी माजी, अरे चलो चलो जल्दी चलो, अरे भगवान, चुप हो जाओ, कुछ हुआ तो नहीं ना, पानी पीने वाले लोटे का ये हाल हो गया, मेरा पता नहीं क्या होता, चुप
तूने मेरी जान बचा ली बेटी। आपको कुछ नहीं हुआ ना? हम तो तुमसे चिल्ला के बोल रहे थे, सुनाई नहीं देता क्या? अरे तू जा, कुछ हुआ तो नहीं? बेवकूफी पे अंधे हो गए हो क्या सब लोग? शर्मी आती तुम लोगों को, कुछ भी करने से पहले सोच नहीं सकते? अगर इन्हें कुछ हो जाता, अगर ये माँ जी मर जाती तो क्या होता सब लोगों का? एक बुढ़िया के बारे में भी नहीं सोचा तुम लोगों ने? जान क्यों लेना चाहते हो हमारी? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत खड़े रहो, जाओ। अरे चलो चलो, बेवकूफ लोग। अरे क्या हुआ? नींद है ना? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बेवकूफ लोग पेड़ काटने आए या पता नहीं क्या करने आए, मर गए सबके सब। बेवकूफ लोग सर, कुछ हो जाता तो नहीं? अरे जाओ यहाँ से। पर ये ठीक तो है ना? अरे वो पेड़ का टुकड़ा नीचे चला गया है। अबे चुप हो जाबे, अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। पेड़ काटने को बोल रहा था, कभी काटा है क्या पेड़? चल निकल यहाँ से, अपना सामान लेके जा, चल निकल यहाँ से, चल। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? तुझे बोला था कि टुकड़ा नीचे रख देना, मगर तूने रखा नहीं। हाँ भाई, वो तो रखा था। या अल्लाह परवरदिगार रहम करो। नहीं ब्रदर, हमें इन सबसे क्या, चलो जिंदा रहेंगे तो दूसरा पेड़ मिल जाएगा। चलो चलो। अरे बाप रे, लुढ़क लुढ़क कर इतना बड़ा पेड़ का तना तुम्हारी माँ के ऊपर आकर गिरने ही वाला था। वो तो अच्छा है कि दीदी ने उन्हें बचा लिया, वरना आज तुम्हारी माँ शमशान में दिखाई देती। अरे जब से आया हूँ एक ही बात सुन रहा हूँ, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता ना जो उन्होंने किया है। अरे जो आँखों से देखा वही तो बता रही हूँ। चलो जाओ, सो जाओ तुम। देख फालतू की बातें मेरे सामने मत कर, मैं उनके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, चुपचाप सो जा। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, मनहूस कहीं के? मैं तो अच्छी बात बता रही थी कि तुम्हारी माँ बच गई, लेकिन तुम्हें उससे क्या? थू, सोते रहो तुम, राक्षस कहेंगे। ये लो भाई 220 रुपया है। मालिक गेहूं मिलेगा क्या? तुम लोगों की वजह से हमारा पेड़ कहाँ गया पता नहीं चल रहा। हमारे दोनों बच्चों की कमर टूट गई है, आया बड़ा गेहूं मांगने वाला। गौड़ो जी है, इस बार पता नहीं पेड़ ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। हे ऊपर वाले मेरी प्रार्थना सुन, मुझे कोई संकट मत देना, मेरी सहायता करना। या अल्लाह माफ करो। आमीन। घोड़ा जी हैं, ये लो तुम्हारे पैसे, चलो रजक भाई चलते हैं। अल्लाह हाफिज, चलते हैं हम। चलो कृष्णा जी, कोई और काम ढूंढते हैं। इन लोगों ने बहुत झेल लिया, उस पेड़ ने मेरी बात नहीं सुनी और लुढ़कते हुए चला गया। मैं समझ गया ये गांव हमारे लिए अब ठीक नहीं है। हाँ, सही कह रहे हो। तो बिना सुने वो मेरी बात क्यों लुढ़कता? इसका मतलब ये है कि हमारा गांव में आना ठीक नहीं हुआ, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। अच्छी तरह मालिश करो ना। मालिश कर करके मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसी मालिश करवाने में तुझे बहुत मजा आ रहा है ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, पहले एक दिन दवा पी लेते थे तो सब कुछ ठीक हो जाता था। किसी को मालिश का तेल लाने के लिए बोल, गर्म करके तुम्हारे मुंह में ही ठूस देती हूँ। अरे बाप रे। अरे बेटा, 3 हफ्ता हो गया है, बहुत कुछ कर लिया तुम लोगों ने, अब जाओ ना, जाकर उस कारिया को बुला कर ले आओ। अरे वा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना। सुनो, अगर मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तू जाकर अपना काम करना। बड़ाई। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं करूंगी? अभी तक घर के और बाहर के बच्चों के सारे काम हम लोग ही तो करते थे, अब से घर के सारे काम भी हम लोग ही कर लेंगे। तू है तुम लोगों पर, तुम लोगों को तो बस यही आता है, मालिश करवा के आराम से पड़े रहो। क्या जिंदगी है तुम लोगों की, जो करना है कर लो। मैं तो किसी के लफड़े में नहीं पड़ने वाली, पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। देखिए चारी भाई, बेटों का क्या हाल हुआ? ऐसी बात है क्या? अच्छा, लेकिन ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो बहुत। अरे बस आचारी आ गया, मैं उसे मिल के आता हूँ, ठीक है? बुलाता हूँ। काला, ए काला। हाँ। ओ बसाचारी आओ, 2 दिन पहले बुलाया था, अब जाके आए हो। हाँ? तुमसे थोड़ा काम था मुझे। उनकी तबीयत कैसी है अब? अरे कहाँ मर गया, जल्दी आ। हाँ हाँ आया, जाके देखो उसे, मैं तो मालिश करके थक गया। अरे अच्छे से तेल लगाना, मालिश करना, जमाना बदल गया है भाई, अगर फिर भी ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छे से इलाज कर देंगे। चुप हो जाओ वसाचारी, ये क्या कह रहे हो? 2-4 दिन अच्छे से मालिश होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस उम्र में हमें कितनी चोट लगी थी, हमें कुछ हुआ क्या? आप अपने जमाने की बात कर रहे हैं बाबूजी,
आजकल की बीमारी ना आपके जमाने जैसी छोटी नहीं होती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज के जमाने में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। कलप्पा शहर जाके इनका इलाज करवाओ। शहर ले जाके इलाज तो करवा सकता हूँ, मगर करवाऊंगा किससे? अरे हमारे गांव में एक ऐसा ही केस हुआ था। पीरापटन शहर में अपन नाम का एक डॉक्टर है, उसके पास जाकर जैसे ही करंट लगवाया तो सब कुछ ठीक हो गया। क्या कहा? सिर्फ करंट देने से ही? करंट देने से ठीक हो जाता है क्या? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यहाँ से तो गया था रोते हुए, लेकिन वहाँ से आया हंसते हुए, समझे? सब करंट से हुआ। बाप रे। ओ। बासाचारी, आप सच बोल रहे हैं ना? अरे बिल्कुल। और देर करूंगा तो मिस्टेक हो जाएगा। चलो गाड़ी निकालते हैं। अरे बैरा, वो डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करता है। देखो अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन लौटते वक्त तुम गाड़ी चला के लाना। हा? मैं पीछे से अपना काम करके आऊंगा। एक बार अंदर से जोर से सांस लो। नहीं ले पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, सांस लेता हूँ तो लगता है जान निकल जाएगी। अरे कौन मनहूस लेकर आया है तुम्हें इस हॉस्पिटल में? मैं मालिक, मैं ही। क्या हुआ मालिक? अगर थोड़ा लेट और होता तो ये परलोक ही चला जाता। नहीं मालिक, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इस हॉस्पिटल का डॉक्टर मैं हूँ, यहाँ तुम पेशेंट को मारने के लिए लाते हो। अब मैं क्या करूँ? अब क्या होगा मालिक? सुनो, इसका जॉन्डिस, बीपी, ब्लड शुगर, आंख नाक सब कुछ चेक करनी होगी। यस डॉक्टर। साहब इसके सिर्फ कमर पे चोट है, आप उसी का इलाज कर दो ना बस। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं। तो हमें अपना काम करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। इस बॉडी को अच्छे से टेस्ट करूंगा तभी पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। तुम जैसे लोगों की वजह से, शक 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 की वजह से ही लोग मर जाते हैं। ए सिस्टर, इन्हें ले जाकर यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब टेस्ट करा के मुझे रिपोर्ट ला कर दो। ओके, इमरजेंसी है बोलकर इन्हें फंसा देंगे। उन्होंने जो बोला वो सब किसकी परीक्षा है? मल मूत्र रक्त की परीक्षा होगी। चलिए एडवांस पैसे भर दीजिए। देखो, राइट वेट ब्रेक ट्विस्ट होकर लेफ्ट वेट ब्रेक ट्विस्ट हो गया है। आप क्या बोल रहे हैं मालिक? इसका मतलब दाएं हाथ की तरफ ब्रेक हुआ है, बाएं हाथ की तरफ भी ब्रेक हुआ है, समझे? दाया भी ब्रेक, बाया भी ब्रेक। अरे वो नहीं यार, ब्रेक है, सिर्फ ब्रेक। हाँ हाँ, वही वही ब्रेक, एक जगह पे नहीं होना चाहिए क्या? तुम क्यों हंस रही हो? एक पर एक गिरकर बचे हैं तो इन लोगों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा। तुम्हारी कुलदेवी ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मालिक, अब इसे कैसे ठीक करना है? फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नर्स जी, डॉक्टर, इस पेशेंट को एडमिट करके डेली 4 times अल्ट्रा वॉयलेट हीट दो, 3 times करंट दो, समझ गई? यस डॉक्टर। चिंता मत कीजिए, मेरा हाथ लग गया ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब करंट की महिमा है। उस दिन मारी को बुलाने के बदले किसी और को बुलाया। अभी मालिश करवाने के लिए शहर ही जाने लगे। आओ कारिया, जरा मालिश करो, कहता तो तुम नहीं जाते थे क्या? अरे बस करो तुम, जितना भी गेहूं दिखाएंगे वो सब लूट कर ले जाएंगे, एक नंबर के चोर हैं वो लोग। कब अकल आएगी क्या पता। दवाई पी लेना। हाँ ए काला, जानते हो ये हॉस्पिटल देखकर मुझे क्या लग रहा है? क्या लगता है बे? हमें पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डालकर रखा था ना, वैसा ही लग रहा है। सही बोल रहा है यार, वहां इंस्पेक्टर लाठी से मारता था, यहाँ डॉक्टर सुई मार मार के खून निकालता है। लेकिन बात यह है कि वहां वो लोग लेकर जाते हैं और यहाँ हम लोग लेकर आते हैं। ये ले पकड़। तुम दोनों अपना सुख दुख आपस में बांट लो। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कहीं नहीं, अभी आया। ए, ए काला, काला। तुझे छोड़कर मैं जी नहीं पाऊंगा, एक पल भी रह नहीं। दिकार है, दिकार है, दिकार है, दिकार है।
क्या हो रहा है? अरे वो डॉक्टर झूठ बोलकर लोगों से पैसा लूटता था, इसीलिए वो लोग इस हॉस्पिटल को जला रहे हैं। उसने बहुतों को बेवकूफ बनाया है। नर्जी, नर्जी, मेरे लोग कहाँ है? कहाँ है वो लोग? अरे क्या पता, जाओ यहाँ से। ये लोग पूरे हॉस्पिटल को जला रहे हैं। पूछो तुम लोग। अरे भाई लोग, कहाँ हो तुम लोग? अरे बाप रे, और कोई गाड़ी नहीं मिली क्या? अरे कम से कम आराम से बैठ कर तो जाते थे। तू इस बैलगाड़ी में लाकर और करंट दिलवाकर तुमने तो हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी। ए, क्या है बे? क्या है? क्या बके जा रहा है तू? मेरी क्या गलती है? क्या मिस्टेक है मेरा? तुम लोगों की भलाई के लिए इस गाड़ी को लेकर के आया हूँ। अब तुम लोगों की किस्मत खराब है जो ये सब हो गया, तो मैं क्या करूँ? किस्मत ही खराब है तुम लोगों की। अरे वो क्या दिखाया था डॉक्टर ने? अरे वही यार, वो डॉक्टर ने वो फोटो दिखा के बताया था। तुम लोगों को क्या बताओ, समझ में तो आएगा नहीं। नसीब ही खराब है, बैठना चाहे तो बैठ नहीं पाते, सोना चाहे तो सो नहीं पाते। तुम क्या करोगे? अब तो समझ गए ना। अब तो सब कुछ गांव की देवी को ही संभालना होगा, है ना सुब्बा? हॉस्पिटल जाकर भी अगर लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे हैं, तब तो कार्या को बुलाना ही ठीक होगा। पुरानी बातें भूल जाओ और उसे बुला लो, इलाज तो कराना ही होगा। आप लोगों से नहीं होता है तो बोलो, मैं ही जाकर उसे बुला कर ले आती हूँ। अरे बेटा, कितने दिन हुए तुझे देखकर, सब ठीक तो है ना? कालाप्पा मारी, शिव जी को हम जाकर धान चढ़ाएंगे और जल चढ़ाएंगे, फिर फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद। कालप्पा आ बेटा, आ बैठ, बैठ जा। मिर्ची सुखाने जा रही थी। हाँ हाँ, अच्छे से। बस बस, समझ लो, हो गया। हाँ, और कितने दिनों तक ऐसे चुपचाप रहोगे? तुम लोगों ने मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझ रखा है? देखो कलप्पा, यहाँ आए हो, जिस काम से आए हो वो कहो, बकवास मेरे सामने मत करो, समझ गए? हाँ, बात करूंगा, पहले भैरव और सुबह की मालिश कर, चल। ऐसा क्या कालप्पा, उन दोनों की कमर पकड़े कितने दिन हो गए? ऐसा वैसा काम करने के लिए बहुत लोग पड़े हैं, शहर के हॉस्पिटल भी जाकर आए हो ना, उन लोगों ने वहाँ क्या किया पता नहीं, अभी ये आकर मालिश करेगा, अगर कुछ गलत हो गया तो इस पर इल्जाम आएगा। अबे मारा, क्या है? तुम पहले जैसे नहीं रहे बे। क्या कहा? हम लोग पहले जैसे नहीं रहे हैं ना? एक बार शांति से बैठकर तू सोच, सब समझ में आ जाएगा। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले तू मेरे साथ चलो। क्या कलप्पा, मालिश करना तू आसान समझता है क्या? क्या हुआ? दोनों हाथों को ऐसे कसकर पकड़कर पीछे से डालकर टाइट करना होता है, सर को दोनों हाथों के बीच में रख कर ऐसे गर्दन दबाकर झटका देना पड़ता है, तब ठीक होता है। ये क्या बोले जा रहा है? क्यों पैर से लात मारना पड़ता है? बकवास कर रहे हो क्या? ऐसा करने से पीठ सीधी हो जाती है, सारी नस ठीक हो जाती है, इसलिए पैर से लात मारते हैं। लेकिन आज तक तुम्हें मैंने किसी को लात मार के ठीक करते हुए नहीं देखा है, क्यों हाथ से ठीक नहीं कर सकते हो क्या? देखो कलप्पा, तुम भी तो मालिश करना जानते हो ना, तुम भी खुद जाकर हाथों से ठीक कर लो, अगर ठीक हो गया तो बड़ी खुशी की बात है। जितने लोग मेरे पास आते हैं ना मालिश के लिए, उन सबको मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, समझ गए? अब निकलो। ठीक है, तुम लोग जिसमें खुश रहो।
अरे उनसे बात करके आपको अच्छा लगा क्या? गांव वालों से तो अच्छे से बात करते हैं, उनसे अच्छे से बात कर लेते तो क्या हो जाता? देख बेटा, ये तो ठीक नहीं है ना। वो बेचारा सिर झुका कर यहाँ आया था, तुझे बुरा नहीं लगा क्या? मेरा बेटा ऐसा पत्थर दिल होगा ये मुझे पता नहीं था। अगर पता भी होता तो क्या करती, छोड़कर चली जाती क्या? ये लोग तो पागल ही हो गए हैं। ये देखो तो मूर्ति के जैसे कैसे बैठा हुआ है। ए, उसके सामने कुछ बोलने नहीं हुआ क्या? बहुत लोग हैं कहता है, बहुत लोग। तेरे मुंह में आग लगे। अरे तो कहीं की करो, हमारे दिल का दर्द तुझे क्या पता। हाँ, ये बड़ी बात करने वाली, अगर इस मामले में कुछ और बोली तो इस चाकू से गला काट डालूंगा। हाँ, उसने ऐसा कहा क्या? उसकी तो हाँ यार, मेरा तो जी किया कि उसे ही खींच के लात मारूं। हाँ। बोलता है पैर से लात मार के ठीक करना होगा, चोर साला। पैर से मार कर करना पड़ता है, पैर से कभी ना कहीं का। अच्छा ये बताओ, कमर तोड़ना कोई ब्रह्म विद्या है क्या? एक बार करके देख ही लेते हैं ना। दीदी वहां पर भी है, देखो। हाँ। अरे बेटी जल्दी कर, अंधेरा हो रहा है। वो हाथ ला जरा। अरे जरा धीरे से। सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात तो सुन। ये हाथ भी ला। अरे हाँ, बाप रे। ऐसे पकड़ो। अरे अब बहुत जोर से पकड़ना होगा। बहुत दर्द हो रहा है, संभाल कर, संभाल कर। अरे कुछ नहीं होगा, अभी पीठ की नस दबाऊंगा। अरे बाप रे। अरे इतना चिल्ला मत यार, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे ठीक हुआ क्या? अभी ठीक हुआ? यहाँ नहीं है क्या? छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो, नहीं होगा, अब नहीं होगा। ऐसे तो ये ठीक नहीं होगा। अरे बाप रे। ना कैसा लग रहा है? अरे नहीं हुआ मेरे भाई, नहीं हुआ। ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? उसने तो यही तरीका बताया था। एक बात बताऊं, तुझे झुका के पैर से लात मारना ही होगा। अरे मैं क्या कर रहे हो? अरे बाप रे। हाँ ठीक हो जाएगा, ये ले जरा कस के पकड़ जोर से। हाँ अब मैं इसे दबाऊंगा तो ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है? जरा ठीक से पकड़, अब देख। अरे अरे अभी ठीक हुआ क्या? अरे नहीं मेरे भाई। ऐसा करने से ठीक हो जाएगा लगता है, अब पूरा जोर लगाना होगा। आजा बस ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही रहो। हाँ शाबाश, नस ढीली हुई क्या? नस ढीली हुई क्या? नस छूट गई, नस ढीली हुई क्या? ढीली हो गई क्या? मैंने कहा था ना। अरे बाप रे, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे, अरे, अरे उठ नहीं पा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे भगवान, मेरी कमर में दर्द हो गया यार। ये बीमारी तुझे भी लग गई क्या? अरे भगवान। अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे। और कितने दिनों तो कैसे सोया रहूं? क्या हो गया मुझे? ए, उतरे। चल तू अंदर जा। चाचा, ये क्या हो गया? क्या हुआ? चाचा मजा आ रहा है ना? ए, चुपचाप अंदर जा। अरे चाचा, चाची, चाची। देख छोटे, बच्चा मुझे देख के मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या दिन देखना पड़ रहा है। अरे वो छोड़ो, मुझे क्यों बुलाया बोलो। हाँ यार, बुलाया था मैंने। मैं कब बाजार जाकर धंधा करूंगा? ऐसे बैठने से थोड़े ना काम होगा। दो सोमवार हो गया मुझे बाजार जाके। अरे अपना कूली करिया भी हमारे साथ नहीं है, ना ही हॉस्पिटल जा सकते हैं। तेरा तो रामायण हो गया भाई। अरे तुम क्या जानो मेरा दर्द। अगर मैं अपना रामायण सुनाऊंगा तो तुम बैठ के सुनोगे क्या? ए संभाल के, संभाल के, उठना नहीं, उठना नहीं, बैठो बैठो, मैं आता हूं।
भगवान, यहाँ दर्द हो रहा है? अब मैं क्या करूँ बताओ? अरे अपना रागी चन्ना बसप्पा है ना, उसका एक पहचान वाला पंडित है, उसे कैसे भी करके यहाँ बुला कर लाओ। हो सकता है मेरी इस मिस्टेक को वही ठीक कर दे, देखो ना जरा। अरे बस इतनी सी बात है क्या, अभी बुला के लाता हूँ मैं, उसके लिए इतना फिकर करें है? जाता हूँ, टेंशन नहीं है। अरे बाप रे, सब ठीक हो जाएगा, संभाल के चलो यार। आता हूँ। अरे ऐसे क्यों देखते हुए खड़ी हो तुम? तुम्हारे पति को ठीक करने आया है पंडित? हाँ, अंदर है क्या? तुरंत अंदर भेजो। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए आइए। कहाँ है? आइए आइए आइए। कौन है? आइए आइए पंडित जी, आइए 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 आइए। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। आपके बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए सीधा यहाँ आया हूँ। बैठिए पंडित जी, बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए क्या हुआ है? कमर पकड़ लिया है। जरा दिखाइए। आहा, आप तो बहुत पुण्यवान हैं। कमर में कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपके शरीर के अंदर की नस थोड़ी सी अकड़ गई है, इतना ही हुआ है। हाँ, तो फिर अब क्या करना होगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ 4 दिनों में कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, मेरी जुबान है। अच्छा सुनो, पंडित के यहाँ से इलाज करा के जल्दी ठीक होके आ जाओ। हैं, जल्दी से आ जाओ, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बिना है। चलते हैं। आऊंगा आऊंगा पंडित जी, नमस्ते। ठीक है ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए गौड़ा जी, मुझे दवा बनाने के लिए कोई असिस्टेंट की जरूरत होगी। क्या चाहिए था? दवा बनाने के लिए कोई बच्चा भी चलेगा? कोई है क्या घर में? अरे बाप रे, वो सब हमारी किस्मत में कहाँ है? मैं समझा नहीं। वो खड़ी है ना, वो बांझ, वही आपकी मदद करेगी। वो मेरी बीवी नागी है, नागी। ओहो, आपको जिस काम की जरूरत पड़े उसे बोलना, वो अच्छा, कर देगी। ठीक है, जो भी होगा मैं इन्हें बोल दूंगा। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन से गांव से हैं? हम जैसे पंडित लोगों का कोई गांव नहीं होता है। हम जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए हिमालय में जाते हैं। सारा हिमालय हमारा गाँव है। ये सारी जड़ी बूटियां मैं हिमालय से लेकर आया हूँ। देखिए, एक लोटा चाहिए होगा। अजी सुनिए, हाँ? एक लोटा चाहिए मुझे। आप सबके घर जाके उसका इलाज करते हैं क्या? देखिए गौड़ा जी, हम किसी के घर में जाकर दवाई नहीं देते हैं। रागी चन्ना बसप्पा जी आपको अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपके घर आया और यहाँ आकर ये दवाई बना रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। हाँ जरा लोटा दीजिए। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती है, उठाओ उस ग्लास को। अरे अरे, छोटी सी बात के लिए चिल्लाते नहीं हैं। औरत से ऐसे बात करने में देवी नाराज हो जाती हैं। भगवती माफ करें। देखिए गौड़ा जी, इस औषधि को पीने के बाद आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, इसलिए आपको इसे पीने के बाद रात को आराम से सोना है और जब सुबह उठेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जरा सुनिए, ये गौड़ा जी को पिला दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। संभाल कर, धीरे धीरे, आराम से बैठ जाओ। आराम से। इस पंडित जी की वजह से भी ठीक हूँ, किसी तरह से रात भर चैन से सो पाया। अच्छी बात है बेटा। पंडित जी, मेरे घर में एक और लड़का है, उसकी भी कमर पकड़ ली है, उसका भी इलाज आप ही को करना होगा। हाँ हाँ, जरूर करेंगे, पहले गोड़ा जी ठीक हो जाएं और वो खुद से चलने फिरने लगे, फिर सबका इलाज कर देंगे। मांसपेशी ढीली हो जाए तो ठीक करने के लिए गुंडू थेरेपी का उपयोग करते हैं। गुंडू थेरेपी से सब ठीक हो जाता है, चुटकियों में सारा दर्द गायब हो जाता है।
अभी कैसा लग रहा है? दर्द कम हो रहा है ना? अरे गोड़ा जी, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, आराम से सोइए। हाँ चल चल, और तेज और तेज और तेज। बाप रे, पंडित जी, नागी, ए बांझ कहाँ है? किसी और के साथ भाग गई, ऐसा सुनने में आया है। जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या गलती की मैंने, हे भगवान। लेकिन हमारी नागी दीदी ऐसी नहीं है। उस पंडित ने ही कुछ किया होगा। इलाज के लिए उसे घर बुलाया था, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र पढ़कर उसे अपने साथ ऐसे भगा कर ले गया। थू, इज्जत ही मिट्टी में मिला दी, किसी लायक नहीं छोड़ा। मेरी पूरी मान मर्यादा बर्बाद करके चली गई, अब क्या करें यार? चाचा, कमीनी कहीं की। चाचा, हाँ, खाना लाया हूँ। लाया है क्या? ला बेटा। चाची भाग गई है ना चाचा? हाँ, वो चली गई बेटा। बाप रे, मटन वगैरह कुछ नहीं बनाई है क्या तेरी माँ? चाचा परेशान मत हो, जैसे भाग के गई है ना वैसे ही वापस भी आ जाएगी, ठीक है ना? इतना बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी नहीं हुई क्या? चल जा, पानी लेके आ। ऐसे भाग के जाने वाला कभी वापस नहीं आता, ये क्या कोई छोटा मिस्टेक है क्या? भाग गई है वो, कहाँ वापस आएगी? ये लो। अरे वो मिल गई है, उसे बुलाकर लाया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। चाची आ गई, चाची आ गई, चाची आ गई, चाची, चाची। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। किसी भी कीमत पे वो मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। मैं उसे अपने घर के अंदर नहीं लूंगा, पहले पंचायत करके फैसला करेंगे, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है। अरे ऐसा मत कहो बेटा, अनजाने में गलती कर दी है, माफ कर दो ना इसे। तू चुप कर बुढ़िया, तू जानती क्या है? अपना पुराण अपने पास ही रख, सब बड़े लोग मिलके मेरा मिस्टेक है या उसका मिस्टेक है फैसला करो, फिर बात करेंगे। नहीं नहीं बेटा, पंचायत में मामला जाएगा तो हमारी ही बेइज्जती होगी, जिद मत कर बेटा, ले ले इसे। सुनो, मेरे घर के मामले में टांग मत लड़ाओ, चलो जाओ यहाँ से। हे, कितनी बार कहा है तुमसे कि हमारे बीच में मत बोला करो, जाओ जाओ सब अपने अपने घर। इस गांव को और यहाँ रहने वाले मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है। सुन बेटा, पंचायत करना ठीक नहीं होगा, तेरी जो मर्जी में आएगा तू वही करेगा, मैं जानती हूँ। कभी भला नहीं होगा तुम लोगों का, कभी भला नहीं होगा। जा जा, बहुत और देखा है। खून के आंसू रुला रहे हो, कभी भला नहीं होगा तुम्हारा। जब तक पंचायत नहीं बैठती फैसला नहीं होगा, घर में नहीं लूंगा। तुम लोग पंचायत करो या कुछ भी करो, नागी आज के बाद हमारे ही घर में रहेगी। क्या है आज तो तुम बोल रहे हो तलाक चाहिए,
और उस दिन चिल्ला रहे थे कि बीवी भाग गई रो रहे थे ऐसे करके आए, क्यों भाई है ऐसे होता है? कम से कम ये दर्द देख के तो मेरी कोई दूसरी शादी करवाएगा ना, यही सोच के रो रहा था। अरे बाप रे, मुझे क्या पता था कि वो भाग के गई फिर वापस आ जाएगी। अरे कैसे इंसान हो यार तुम। चाहो तो मैं अपनी जमीन लिख के दे दूंगा, मगर पहले मुझे तलाक दिलवा दो यार। हाँ, हाँ कर देंगे और क्या। लेकिन नागम्मा का क्या होगा ये तो बता, बेचारी की माँ बाप ने भी उसे छोड़ दिया। अरे मैं कोई बुरा दिल वाला आदमी नहीं हूँ, वो सामने वाला छोटा घर है ना, उसे दे दूंगा जिंदगी बिताने के लिए, नमक गेहूँ सब दे दूंगा भाई। ठीक है वैसे ही करते। तुम सही कह रहे हो शंकर, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, हम वो तलाक पत्र दिलवाएं कैसे, लोग तो नहीं मानेंगे ना। हाँ अरे इतने में लोग मानने वाले नहीं है गुरुजी, जो अपने बाप से पैदा हुआ होगा वो सही है ऐसा बोलिए। हाँ लेकिन ये गहराई से सोचने वाली बात है। अरे गुरुजी आप भी कुछ ज्यादा ही गहराई में चले जाते हैं। मेरे सामने काला गौड़ा ने कहा है पंचायत के सामने तलाक पत्री दूंगा, कहा उसने ऐसे। हाँ? ऐसा कहा क्या? हाँ? इसका मतलब वो उसे नहीं चाहिए? अरे वो तो उसे छोड़ना ही है उसको। अरे संतान का भाग्य नहीं है उसमें, ऐसा बोला है? बांझ कहीं की, अरे ऐसी औरत लेकर वो क्या करेगा। हाँ, वो तो सच है। अब जब पति ने ही ऐसा कह दिया है तो ऐसा मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए गुरुजी। हाँ? इस गांव के लोग जो है ना। हाँ? वो मामूली नहीं है गुरुजी, बड़े होशियार हैं, किसी भी औरत के साथ ऐसा करने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन उन्हीं औरत में से एक औरत हमारी शिकार बनी है गुरुजी, एक बार अच्छे से डरा दो सब आपके झांसे में आ जाएंगे। हे, सिर्फ चार ही क्या, उससे भी ज्यादा लोगों को तलाक पत्र दिलवा दूंगा। एक बात बताऊं, तुम चलने की हालत में भी ना होकर मुझसे मिलने आए हो, इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। नहीं तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? अरे हाँ साहब। अरे जल्दी आ। हाँ आया आया। क्या क्या है? इडली डोसा मेंदू वड़ा मसाला डोसा मैसूर डोसा वेज पुलाव चिकन पुलाव चाय कॉफी कुछ नहीं क्या लेंगे? सिरा है भाई। मैसूर पाक जलेबी नहीं है क्या? वो सब नहीं है भाई। ओ ठीक है, वही दो प्लेट लेके आ। अभी लेकर आता हूँ दो प्लेट। ठीक है, पहले मुंह मीठा करेंगे। कल मैं भी तुम्हारे गाँव की पंचायत में आऊंगी, ठीक है? अरे तुम तो मेरे घर में आने वाली हो, पंचायत की बात करती हो। जाओ भी। भैया भैया। अबे देख नहीं रहा है पूजा कर रहा हूँ, क्यों बीच में बोल रहा है, थोड़ा मुंह बंद कर। हाँ बोल। कल अपना त्योहार है ना, आजू बाजू गांव के सब लोग आएंगे। हाँ पता है भैया, पंचायत खत्म होने के बाद सब यहीं आएंगे और दो दो घूट पिएंगे भी, ये तो पता ही तेरे को ना। हाँ, पता है, समझ गया ना। हाँ। अरे फूल फूल काहे कर रहा है भाई, थोड़ा पानी मिला देना। ठीक है मिला देता हूं। काहे को मेरा नुकसान कर रहा है? अरे नहीं नुकसान नहीं, तेरा क्या है भाई, आपने आने के लिए कहा था ना भाई। अबे कल गांव में पंचायत है, चुपचाप वहीं पे आ जाना। क्या पंचायत है भाई? गांव से एक औरत भाग गई है, उसी के लिए पंचायत बुलाया गांव में, समझ गया? अरे ऐसी बात है क्या, मैं नहीं आऊंगा भाई। मस्त मजा आएगा वहाँ पे, आ जाना है। ठीक है आ जाना चुपके से, दो चार लोगों को साथ में लेके आना। ठीक है भाई। कृष्णा। हाँ भाई। जरा इसके मुंह में आधा पाव भर दे। अरे हाँ ठीक है आ जा, पानी वाला नहीं दूसरा वाला देना। सुनो तो मर्द लोगों का पता नहीं, लेकिन हमें तो नागी दीदी चाहिए, अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ ना तो हम सहन नहीं करने वाली। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कलप्पा हमारी बात नहीं सुनने वाला। एक बात पूछूं क्या? हाँ बोलना। वो जो काला गौड़ा जी है ना, उन्होंने नागी दीदी को छोड़ा तो हम अपने घर ले आएंगे। तू पागल वागल हो गई है क्या, जबान चलाना बंद कर, तू जो मुँह में आया बक देती है। देख कल पंचायत में लोग आएंगे, वहाँ फालतू बात मत करना वरना तेरी जबान काट दूंगा, समझ गई? यहाँ कोई नहीं आएगा। देखो भाई जो भाग गई थी उसे देखो। हाँ देखो देखो वो आ रही है। हाँ यही भागी थी। वो पीछे जो आ रही है ना गुरुजी, वही है नागम्मा। वही भागी थी।
और आगे जो आ रही है ना वो अदानी है, बहुत तेज है। भाग के भी जरा भी शर्म नहीं आई इसको, देखो कैसे आ रही है। देखने में तो अच्छी लग रही है। जय उग्र भैरव, सब दिखाई दे रहा है, तूने क्या क्या किया वो सब मुझे दिखाई दे रहा है। हे नागम्मा, आ जाओ यहाँ नागम्मा, यहाँ आकर सबके सामने खड़ी हो जाओ और अपनी गलती को मान लो। आ जाओ शंकर। गुरुजी, जाकर उसे यहाँ खींच कर लाओ। उसके शरीर में जो भूत रह रहा है उसे मैं एक ही बार में उतार दूंगा। गुरुजी ने बुलाया, चलना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो चलो चलो, भाग के जाती है, पंचायत में सबके सामने आना नहीं हो रहा है क्या? आए, खड़ी हो रहे यहाँ पे, खड़ी हो, बोलो। कब से तुझे बुला रहा हूँ, तेरी समझ में मेरी बात नहीं आ रही थी क्या? मेरे सामने नाटक कर रही है, बोल किसकी भूत है तू, बोल कौन सी चुड़ैल चढ़ी है तेरे ऊपर, बोल जल्दी बोल, बोलती है कि नहीं? लगता है गुरुजी के शरीर मेरे सामने तेरी चालबाजी नहीं चलेगी। उनकी आंखों से ही दिखाई दे रहा मुझे। उग्र भैरव सामने है भगवान, भूत को क्षमा करना, तू इसके शरीर को छोड़ेगा कि नहीं? से बचाना भैरव बाबा। कितना मजबूत भूत इसके शरीर में घुसा हुआ है, बोल चल बोल। मैं बताती हूँ कौन सा भूत चढ़ा है इसे, रुक जा तू अभी। मंत्र पढ़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अपनी बीवी के सामने पढ़ना, वो बताएगी तुझे। ये क्या बदतमीजी कर रही है, गुरुजी के सामने ऐसे बोलते है? अब मैंने क्या बोला? कमीने, जो बोला है सीधे सीधे बोलना, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? एक औरत पर अत्याचार हो रहा है और तुझे मजाक सूझ रहा है यहाँ पर? एक औरत को बच्चा नहीं होगा तो दूसरी ले आएगा, यही करते हो ना? ना मर्द कहीं के, थू। नहीं मानेगी तो परेशान ना करूं तो और क्या करूं? बांज को कभी बच्चा होता है क्या? रोज रात को शराब पीकर खर्राटे मारकर सो जाओगे तो बताओ कि कैसे होगा बच्चा? जरा एक बार पूछो तो सही इसे, क्या आखिरी बार कब छुआ था इसने अपनी बीवी को? पूछो कैसे होगा बच्चा? ए, कैसी बात कर रही हो, औरत होगी क्या हो तुम? तू कमीना कहीं का, अगर तुझे नहीं पता कैसे बच्चा होता है तो जाकर अपनी माँ से पूछ कैसे पैदा हुआ तू। माँ काली, ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे सारे मंत्र तुझ पे ही फूंक दूंगी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? बेचारी औरत, दो साल से छुआ नहीं है इसके पति ने इसे, कैसे होगा बच्चा बताओ तो? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बच्चे है। के अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, सारी गलती काला की है। हाँ हाँ सही कह रही है, थू है तुझ पर, तू क्या कोई इंसान है? ए पुजारी जी, आपको अकल नहीं है क्या? भूत उसे नहीं चढ़ा है, इस कमीने को चढ़ा है, देखो तो कैसे अनजान बनकर बैठा है। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं, कमीने। ये औरत तो कुछ भी बोल रही है। अरे तू खुद गलती करके मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहा है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। आइंदा अगर मुझे बाजार में मिला ना तो तेरी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर फोड़ दूंगी और तेरे हाथ पैर भी तोड़ दूंगी। थू, बदमाश कहीं का, शरीफ बनता है। उस कमीने की जरा अकल ठिकाने लगाओ, तभी जाकर मेरी बहन को चैन मिलेगा। आइंदा बाजार में ना आए ऐसा कह दो उससे। अरे सुन सुन तो। अरे ये तो डांट के चली गई। थू ये रुक, पहले तेरा भूत उतारना होगा, नहीं तो यहाँ की सारी औरतों को तू बिगाड़ देगी। तुझे तो छोड़ छोड़। अरे देवे, ये देखो क्या हो रहा है। अरे आज मैं तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है? देखो देखो देखो, छोड़, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा, छोड़। ये उससे लड़ रही है, ये मेरा मंत्र दंड है, ये भगवान है, इसे छुएगी तो तेरा नाश हो जाएगा। अरे क्या कर रही है? इसको ही तोड़ देती हूँ। अरे मंत्र वाला डंडा तेरा, ये ले गया। अब देखती हूँ आज कैसे मंत्र पढ़ता है, औरतों को परेशान करता है ना। क्या कर रही है, पागल हो गई है तू? ए अब तू चुप कर, मुझसे चिल्लाकर बात मत करना, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। उस दिन गौरा जी की कमर ठीक कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना, समझ में नहीं आता? मुंह बंद कर अपना, तू समझ गई? ये गौड़ा लोग खुद आए थे, हाथ पैर जोड़े थे मालिश करवाने के लिए, ये लोग एक नंबर के चोर हैं, समझ गई तू? ए क्या है? क्या बोला बे? तुम लोग चोर हो,
हमारी चोरी करके हम पे इल्जाम लगा रहे हो? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? बोलो गुरुजी, बोलो ना शंकर अप्पा। अरे रे 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 रे, भूल जाओ वो सारी बातें, जो होना है उसकी बात करो। पहले इस चुड़ैल औरत को सही सबक सिखाओ। आप चुप हो जाइए स्वामी जी। सुनो, तुम लोगों ने स्वामी जी से हमारे हाथ पैर टूट जाए ऐसा मंत्र पढ़ने के लिए कहा था ना? क्या कहा भाई? यही स्वामी जी ने ताबीज तुम्हारे हाथ में बांधने के लिए कहा था। इससे हमारे गांव की देवी का अपमान होगा, यही सोचकर हमने मना किया था भाई। अरे वो सब छोड़ो, पहले वो औरत के भाग जाने की बात करो भाई। आज तक हमारी औरतों ने कभी ऐसा बुरा नहीं सोचा। हाँ, ऐसा क्यों सोचा गुरुजी आपने? अरे यहाँ तो मामला ज्यादा गड़बड़ हो। हम लोगों को कमजोर मत समझना, समझ गया ना बेवड़े कहे? तुम चुप रहो, ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि हमसे गुरुजी ने वादा करवाया था। हमसे भी करवाया था। किसी से मत कहना, कहोगे तो वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा था। ये बड़ा शौक है ना औरतों को मारने का तुझे? आज तो तुझे सबक सिखा के रहेंगे, पता चलेगा तुझे। जनता पड़ता है तो कैसा रहता है? छोड़ा नहीं, मार से बड़ा है, बच्चा पैदा करवाएगा ये, छोड़ा नहीं से। चटनी बना के रखता आज इसकी, मारो इसे, राक्षस है ये, मारो मारो, सबको बिगाड़ के। ए रुक जा तू, गौड़ा जी की कमर ठीक कर देते तो ये सब नहीं होता ना। देखो नागी दीदी को क्या क्या सहना पड़ा, मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे ना। अरे बाप रे, सुन ले कमीने, आज के बाद नजर आना तो टांग तोड़ के रख दूंगी तेरी। आ जा, भाग कहाँ रहा है तू? आज तुम सब की बारी आई है। नहीं छोड़, किसी को नहीं छोड़ूंगी, रुक जा। तुझे भी सबक सिखाना होगा तुझे। ये मारो, 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 शिकार करते हो वो भी पंडित से। चलो आज तो फैसला हो ही जाए। मार खा के बैठा है, औरतों से मार खाया, मुझे वहां होना चाहिए था। अरे पिशाचों की तरह दौड़ा दौड़ा करके मारा उन लोगों ने। अरे भागे यहां से, वो लोग सब इधर ही आ रही हैं। अरे चल चल भाई, रुक मत, चल चल। ए पागल इंसान, तुम चिंदी चोर ग्राम सेवक हो, मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी खाकी को हाथ लगाया तो मिलिट्री वाले आकर मार देंगे। इस डंडे से इतना मारूंगा कि मजा आ जाएगा, अभी देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोग का। आ जाओ, ऐसे ही काम करता ना, आज तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी किसी काम का नहीं, सब बर्बाद कर दो, कुछ मत छोड़ना। तुम लोगों ने जीना आराम कर दिया हमारे, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ तोड़ दो। काली जला देते हैं इसे।